नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन का हमारा टॉपिक है दैट इज इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन का ही सब टॉपिक मान सकते हैं हम इसे, क्योंकि हमने जो तीन मांगी थी कि सब्स्टिट्यूशन से करेंगे या पार्शियल फ्रैक्शन से या बाय पार्ट से, तो सब्स्टिट्यूशन के अंडर ही आप इसको एक सब टॉपिक मान सकते हो। लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको रटने हैं, बिल्कुल बाय हार्ट लर्न होने चाहिए वो। ठीक है, फर्स्ट इज कि अगर कोई फंक्शन मेरे पास, क्योंकि अभी तक डिनोमिनेटर में हम कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रहे थे, डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ हो सिर्फ एक एक्स को छोड़ के जिसकी लॉग एक्स हम कर लेते थे, कुछ भी और हैंडल नहीं कर रहे थे हम। ठीक है, या तो सिंपल पावर हो, 1 -2 -3 लिख दें, पर अगर कोई भी फंक्शन आ जाता था बाइनोमियल या ट्राइनोमियल कुछ नहीं कर पाते थे। तो अब उसके लिए देखो कि नीचे अगर डिनोमिनेटर में x² - a² टाइप का होगा तो उसका क्या बनेगी इंटीग्रेशन, उसकी इंटीग्रेशन बनेगी 1/2a log x - a over x + c। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखो, मैं फर्स्ट इसको ऐसे याद रखता हूँ, मेरा बेंचमार्क यही फॉर्मूला है कि x² पहले है, -a² है, तो 1/2a log x - a over x + a + c। ठीक है, ये कैसे आया आगे मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बार लिस्ट देख लेते हैं। सेकंड, अब सेकंड में dx/a² पहले आ गया, a² - x² आ गया, 1/2 रिमेन्स सेम, लॉग ऊपर आ जाएगा a + x, नीचे आ जाएगा a - x, ओके, प्लस सी। थर्ड में dx/x² + a² प्लस आ गया बीच में, तो इसमें क्या होगा, 1/a tan inverse x/a + c, राइट। तीन फॉर्मूले जो हैं इस टाइप के, और फिर अगले तीन जो हैं वो रूट में है। तो दोबारा से x² - a² से स्टार्ट हुआ, लेकिन इस टाइम रूट में है, तो इसका क्या होता है, लॉग x + x² - a² अंडर द रूट प्लस सी। इसी का भाई सीधा सिक्स्थ देखो नीचे लास्ट, x² + a² अगर, तो सेम वही लॉग x + b सेम, बीच वाला फंक्शन जो यहाँ पे लिखा है बस उसी को x में ऐड करना है, सिंपल है ये, लॉग में x में जो नीचे है वही ऐड करने हैं, इधर x² - a² था, इधर x² + a² है, प्लस सी, मॉड्यूलस में है ये, ओके। फिफ्थ जो है a² - x² जब हो जाता है रूट के अंदर तो वो हो जाता है sin inverse x/a + c। ठीक है, तो ये तीन ऊपर वाले फॉर्मूले हैं बिना रूट के, और तीन फॉर्मूले हैं रूट के, टोटल ये सिक्स फॉर्मूले हैं, तो ये आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, बिल्कुल एक भी साइन गलत नहीं, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कोई मॉड्यूलस गलत नहीं, कुछ नहीं। आप देखो इसके प्रूफ अगर आपको देखने की कैसे आया है, तो फर्स्ट जो मेरा फॉर्मूला था उसका प्रूफ क्या रहेगा कि x² - a² इसको हम a - b a + b टाइप में लिख लिया हमने। अब आप देखो जैसे ही आप इन दोनों को क्या करोगे, x कैंसल आउट करोगे ना, तो क्या कर रहे हो कि x + a - x - a कर दूंगा अगर मैं, तो क्या आएगा, x कैंसल आउट हो जाएगा और ये 2a बन जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 1/2a कर देंगे और इधर 2a लिख लेंगे ऊपर, और 2a की जगह क्या लिखेंगे, अब x + a - x - a। आप दोनों डिनोमिनेटर को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, जब x/a से x/a कट जाएगा तो 1/x - a रह जाएगा, जब इसके साथ लेंगे तो x - a कट जाएगा तो 1/x + a रह जाएगा, ये हमने पीछे क्वेश्चंस में भी करा था, राइट। तो इससे क्या होगा, बस अब नीचे वाले की अब आसान है, सिंपल फंक्शन है, लॉग की बन जाएगी इनकी, तो 1/2a log x - a - log x + a + c। अब माइनस का फंक्शन लॉग में डिवाइड कर देगा तो दिस डिवाइडेड बाय दिस हो जाएगा, इससे मेरा आंसर आ गया, तो ये इसका प्रूफ है। सेकेंड पार्ट में 1/a² - x² में भी हम कुछ बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, 1/2a, बस हम साइंस चेंज कर देंगे, अब a + x और a - x। ठीक है, नीचे से देख के, ठीक है कि नीचे क्या चीज़ है, a + x a - x, उसके हिसाब से ऊपर चेंज कर दिया, फिर से अलग अलग काट के सेम आ गया। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, माइनस साइन लेके सिंपली हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा
देखो ए माइनस एक्स है और ए प्लस एक्स है, तो यहाँ पे माइनस बाहर ले लो तो एक्स माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस लॉग ए माइनस एक्स, ठीक है, या चेन रूल से माइनस वन से डिवाइड कर दिया आपने, वॉट एवर जो आपको ठीक लगे, माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें सेम ऐसे ही रहेगा। अब डिवीजन जब करोगे तो माइनस वाला नीचे जाएगा ना, तो ये नीचे चला जाएगा, ए प्लस एक्स ऊपर रह जाएगा, ए माइनस एक्स नीचे चला जाएगा। तो सेम मेरे पास हमारा फॉर्मूला आ गया जिसमें ए प्लस एक्स ऊपर है और ए माइनस एक्स नीचे है, तो ये मेरा दूसरा फॉर्मूला प्रूव हो गया। तीसरे फॉर्मूले के लिए, ऐसे फॉर्मूले के लिए ये टेक्निक भी काम आती है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। और क्या टेक्निक है कि आपने इसका इंटीग्रल करना है, ठीक है, तो एक्स की जगह क्या डालेंगे आप, ए टेन थीटा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट स्क्वायर डी थीटा आ जाएगा, और डी एक्स को मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा, तो रिप्लेस हो गया जी डी एक्स इससे, ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा से। अब आप एक जब आप कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर, तो ये वन प्लस क्या बच जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा नीचे, और ये क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा कट जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा से, राइट। और ए से आपका एक पावर भी कट जाएगी ये वाली, तो वन बाय ए आपका बच गया डी थीटा के साथ, तो बस इसकी तो खाली थीटा हो जाएगी, वन बाय थीटा प्लस सी, थीटा की जगह आपने टेन इनवर्स, क्योंकि यहाँ से क्या आएगा देखो, ये आप एक्स बाय ए इज इक्वल टू टेन थीटा करेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स बाय ए आपका थीटा आ जाएगा, तो थीटा की जगह आपने डाल देना टेन इनवर्स एक्स बाय, आपका फॉर्मूला रेडी है, ठीक है। तो ऐसे कई जगह पे हम और भी यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में भी जब हमें इस टाइप का आएगा, तो ये याद रखना कि ये अच्छी चीज़ है कि एक्स को हम ए टेन थीटा डाल सकते हैं। सिमिलरली अब रूट में अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर वाला एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए नहीं कर पाएंगे, तो अब हम क्या डालेंगे, देखो ना माइनस में कितने फॉर्मूले अवेलेबल है आपके पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन अवेलेबल है ना, तो एक्स को क्या डाल दोगे, ए सीकेंट थीटा, ठीक है, डी एक्स की वैल्यू आ गई ए सेकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, रिप्लेस कर दी, इधर से आपने क्या करा, ए स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन हो गया, ये क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, रूट में से क्या बाहर आ गया, रूट में है ना ये, तो रूट से बाहर आ गया ए टेन थीटा, कैंसल आउट टेन थीटा और ए सीकेंड थीटा डी थीटा, सीकेंड थीटा की क्या होती है जी, लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, ठीक है, ये मेरी बन गई। अब सीकेंट थीटा की जगह आप क्या डाल सकते हो, सीकेंट थीटा की जगह मैं डाल सकता हूँ एक्स बाय ए, ठीक है, और टेन थीटा की जगह क्या डाल सकता हूँ मैं, इसी का सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन कर सकता हूँ मैं, तो इधर डल जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वन अंडर द रूट, और अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट, और ए स्क्वायर का वन बाय ए बाहर भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो सीकेंट थीटा की जगह क्या डल जाएगा, इसकी जगह एक्स बाय ए, और ये टेन थीटा की जगह डल गया, एलसीएम लिया ए आ गया। अब देखो ए इसमें क्या हुआ, कॉमन ए है, तो कॉमन ए जब आ गया तो इसको माइनस लॉग ए लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और माइनस लॉग ए जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो सी वन के साथ प्लस होके वो एक नया सी बना देगा, ठीक है। तो नीचे वाला लॉग जो ए है वो एलसीएम हम हमेशा हटा सकते हैं कांस्टेंट वाला लॉग में, तो मेरा क्या बन गया जो मुझे अचीव करना था, लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट मॉड्यूलस में प्लस सी, यही मेरा फॉर्मूला था इस पूरे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का था, ऐसे अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ जो मेरा फॉर्मूला था उसका प्रूफ। अब इसमें देखो आपको इसका प्रूफ करना है, तो नेगेटिव वाले आपके पास कितने हैं, इसको डालोगे ना, अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा टाइप है हमारे पास, तो एक्स को क्या डाल दो, ए साइन थीटा, ठीक है, तो डी एक्स क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा, डी एक्स की जगह ये डाल दिया और इसकी जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन लेके वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और रूट में से क्या बाहर आ जाएगा, ए
कॉस थीटा, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो ए कॉस थीटा कैंसल आउट हो गया पूरा। क्या बचा जी? सिर्फ डी थीटा, यानी कि थीटा प्लस सी इसकी इंटीग्रेशन, और थीटा की जगह क्या डल जाएगा, यहाँ से देखोगे तो एक्स बाय ए साइन थीटा है, तो साइन इनवर्स एक्स बाय आ गया जी सीधा फॉर्मूला, ठीक है, यही मेरा डिजायर्ड रिजल्ट है। ऐसे ही सिक्स्थ के अंदर आपको इसका निकालना है, तो क्या पुट करूँ एक्स को? प्लस वाले में कितनी आइडेंटिटीज है मेरे पास? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सबसे कॉमन है, तो यहाँ पे एक्स को ए टेन थीटा डाल दो, डी एक्स बन जाएगा ए सीकेंट स्क्वायर थीटा, डी एक्स की जगह ये डाल दिया आपने ए सीकेंट स्क्वायर थीटा, नीचे एक्स की जगह आपने ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डल गया, एक्स की जगह ए टेन थीटा डाल दिया। अब इसमें क्या है, इसमें भी रूट में देखो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ये क्या बन गया सीकेंट, तो ए सीकेंट थीटा बाहर आ गया, कट गया एक पावर से, सीकेंट थीटा बच गया अकेला, तो सीकेंट थीटा डी थीटा, फिर से लॉग सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। अब सीकेंट थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, एक्स बाय ए है, तो सीकेंट थीटा की क्या होगी, वन प्लस टेन स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। फिर से हम इसको एलसीएम ले सकते हैं, ये देखिए हमने लॉग सेकेंड थीटा टेन थीटा की जगह ये डाल दिया, सेकेंड थीटा की जगह ये डाल दिया, बस अब इसका ए एलसीएम लेके, यहाँ पे वन के पास एलसीएम लेके ए बाहर आ गया रूट से, तो अपॉन ए आ गया। अब लॉग ए मैं माइनस कर सकता हूँ प्रॉपर्टी से, राइट, जैसे मैंने लॉग मॉड्यूलस से माइनस किया, ये मेरा एक नया कॉन्स्टेंट बन गया, तो मेरा आंसर जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो आ गया। अगला फॉर्मूला है जी सेवंथ फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू फाइंड, फॉर्मूला नहीं है इनफैक्ट प्रोसेस है, कि अगर आपको नीचे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक मिल गई तो आप क्या करेंगे, ठीक है। ये जो इसने इतना कुछ कर रखा है, देखो भी मत, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमें आता है ना, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हम इसको इस टाइप का कुछ भी, इसको आप बिल्कुल भी मत देखो, आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बस सिंपल आप इसको यहाँ देखो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर से मैं इसको कुछ इस टाइप का बना लूँगा कि x माइनस ए का स्क्वायर सपोज, ठीक है, ए भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, कुछ भी आएगा, x माइनस डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इस टाइप का बना लूँगा मैं, ठीक है। और जैसे ही आपका ये बनेगा, x माइनस ए को t डाल सकते हैं आप, तो ये डी टी ओवर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा। अब ये पिछले वाला फॉर्मूला बन गया, जो हमने पहले छह फॉर्मूले बने उसी टाइप का बन गया, तो हमने बस यही बनाना है। तो आपको नीचे जब भी क्वाड्रेटिक मिलेगी, आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करके इसको ऐसे चेंज कर लेना है और फाइनली ऐसे चेंज कर लेना, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। एक एग्जांपल से बस आपको समझना है। एट्थ जो है, नीचे जो एट्थ है इसमें देखो, इसमें अगर रूट भी आ गया ना क्वाड्रेटिक में, तो भी आपने ऐसे ही करना है, क्योंकि रूट के फॉर्मूले भी मेरे पास हैं। तो रूट में मेरा डिनोमिनेटर में x माइनस डी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर टाइप कर दूंगा, यानी कि मेरे पास टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इस टाइप का फॉर्मूला मेरे पास अपॉन में आ जाएगा। और इसका मेरे पास प्लस और माइनस दोनों के फॉर्मूले हैं, पहले छः फॉर्मूले जो मैंने करे हैं उसी में से आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे क्वाड्रेटिक आएगी तो हम ये काम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला कर सकते हैं। अब एक और बचा है, दो और बचे इनफैक्ट, उसमें क्या है, नाइन्थ है जैसे ये। अब इसके अंदर आपका इस टाइप का अगर हुआ, नीचे अगर आपकी क्वाड्रेटिक हो गई तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर इसमें क्या दे दिया, पी एक्स प्लस क्यू लीनियर दे दी ऊपर, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप देखो ऐसे कुछ मैन्यूपुलेट करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ऊपर क्या आ जाए, इसका क्या है आपका डिफरेंशियल क्या, नीचे वाली का डिफरेंशियल इसका टू ए एक्स प्लस बी है ना डिनोमिनेटर का, तो अगर मैं इस पी एक्स प्लस क्यू को कुछ ऐसा बना दूं कि टू ए एक्स प्लस बी
प्लस कुछ मेरा अलग हो जाए कांस्टेंट सी, तो एक बार इसके नीचे डिनोमिनेटर ये वाला क्वाड्रेटिक वाला यहाँ लिख दूंगा और एक बार मैं यहाँ लिख दूंगा। अब ये तो सिंपली नीचे वाले का ऊपर अगर डिफरेंशिएशन है तो लॉग बन जाएगी, लॉग में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा और नीचे अकेली क्वाड्रेटिक की मुझे करनी आती है इंटीग्रेशन, ऊपर जो सेवन्थ अभी डिस्कस किया है ना कि इसको मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाऊंगा और उससे हो जाएगा। तो ये है, अब इसको कंसेप्ट वाइज हमने समझ लिया है कि मुझे नीचे का डिफरेंशियल ऊपर बनाना है। करते कैसे हैं इसे, देखो इसको ऐसे करते हैं, डायरेक्ट अगर आप देख के कर सकते हो तो गुड इनफ, नहीं तो इसका सीधा सा है ये इसका फॉर्मूला है। क्या किया हमने, पी एक्स प्लस क्यू की जगह आपको क्या चाहिए, डी बाई डी एक्स का डिफरेंशियल, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दिया कॉन्स्टेंट, प्लस बी कर दिया। अब दोनों का रियल और इक्वल पार्ट आप क्या करेंगे, जैसे ये इसका डिफरेंशियल बन गया टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का, तो अब हम क्या करेंगे इसमें टू ए ए एक्स प्लस ए बी प्लस बी, खोल दिया मैंने इसे। अब ये चीज़ मैं कंपेयर करूँगा पी एक्स के साथ, क्योंकि लेफ्ट में क्या है पी एक्स है, तो टू ए ए को मैं पी डाल दूंगा, इससे मेरा आ जाएगा ए, और ए बी प्लस बी जो बिना एक्स का पार्ट कांस्टेंट पार्ट है उसको किससे कंपेयर करूंगा, क्यू से, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे बी आ जाएगा, दोनों ए और बी आ जाएंगे, वापस इसमें डालूंगा तो मेरी ये चीज़ बिल्कुल यही आ जाएगी जो मैं ऊपर चाहता था। जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल करूँगा आपको और समझ आ जाएगी ये चीज़, ठीक है। जस्ट अभी एक कंसेप्ट को दिमाग में रख लो। और अगर रूट हुआ नीचे तो भी चीज़ें सेम रहेंगी, बिल्कुल रूट हुआ तो भी चीज़ें बिल्कुल ही सेम रहेंगी, कोई चीज़ नहीं होगी क्योंकि रूट के फॉर्मूले मेरे पास नीचे हैं। तो इसमें भी अगर ऊपर लीनियर है तो मैं इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये 10 मेथड्स हैं। आप एग्जाम्पल पकड़ते हैं जी और समझते हैं। एग्जाम्पल 8 इज फाइंड द फॉलोइंग इंटेग्रल्स। फर्स्ट पार्ट है डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। तो ये नीचे फर्स्ट पार्ट आ गया। आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास क्या था, 1/2a। अब a क्या है इसमें 4, तो 1/2a 1/8 बन गया ये। उसके बाद log ऑफ x माइनस a, a इज 4, x प्लस a प्लस c। ये फॉर्मूला अगर मुझे याद नहीं है तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले में सिर्फ मैंने वैल्यूज डाल दी। सिमिलरली गोज फॉर सेकेंड। अब क्या है डी एक्स ओवर टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। अब ये क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक आधी अधूरी सी दिख रही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से पूरा करेंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप कैसे करोगे, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे बना लो। मैं कैसे बनाता हूँ कि अगर रूट के अंदर मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ, माइनस वन, रूट से बाहर तो निकल नहीं सकता माइनस, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बन जाएगा ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक प्लस वन कर दूँ तो कंप्लीट हो जाएगा स्क्वायर, तो बैलेंस रखने के लिए माइनस वन करना पड़ेगा मुझे। तो ये चीज़ जो है क्या बन गई, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये माइनस वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ अंडर द रूट माइनस वन, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ है स्क्वायर ब्रैकेट दोनों से पहले। अब माइनस वन वापस डाल दो तो वन का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर अंडर द रूट, हो गया जी अचीव मेरा। अब ये जो मेरा ये क्या बना, ये देखो इसने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, ये अचीव हो गया, ओके। अब क्या करोगे आप, अब आप पहले आप देखो कि इसको एक्स माइनस वन की जगह एक्स सिंपल चाहिए होता है ना, तो आप टी डाल दो, एक्स माइनस वन को टी डाल दो, लीनियर है दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा सीधा। तो कन्वर्ट किससे हो जाएगा, ये वन माइनस टी स्क्वायर, बस सिंपल बन जाएगा ये, राइट। तो वन माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा। अब ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सीधा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स बाय ए में ए वन है तो नीचे ओवर वन यहाँ पे शो नहीं हुआ, तो साइन इनवर्स टी बाय सी, टी को वापस डाल दो, साइन इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत लंबे हो जाएंगे देखो। तो इसमें एक छोटी सी चीज़ है कि आप ध्यान क्या रख सकते हो कि जब भी मेरा लीनियर आ रहा है ना एक्स माइनस वन, तो ये कोई फर्क नहीं करेगा, ये एज इट इज़ इक्विवेलेंट है किसके, डायरेक्ट डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले के, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है ना प्लस सी, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स माइनस वन ओवर ए प्लस सी, ये लीनियर वाला, इसको आप टी डालोगे तो बस डी एक्स डी टी होगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा ये, वापिस से टी तो डालना दोबारा, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस सी, ए तो वन ही है तो ए हट जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस सी, देखो बिल्कुल सेम आ गया आंसर। तो जब आपका लीनियर है अंदर, ठीक है, तो अगर आप एक स्टेप रिड्यूस करना चाहते हो तो वो बिल्कुल हो सकता है, अदरवाइज एक्स माइनस वन को टी डालो और प्रॉपर करो अपना, तो भी वही आंसर आएगा। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल 9, फाइंड द फॉलोइंग इंटेग्रल्स। अब फर्स्ट पार्ट देखो, क्वाड्रेटिक है नीचे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर आपको वैसे याद नहीं तो क्या करते हैं हम, जो यहाँ पे बी होता है ये टू ए स्क्वायर, तो टू ए एक्स जो है, टू ए बी है बेसिकली, जो इसमें जो कोफिशियंट है इसको हम टू से डिवाइड कर देते हैं, तो टू से डिवाइड करते हैं तो क्या बन गया, थ्री बन गया, तो थ्री को हम प्लस थ्री स्क्वायर और माइनस थ्री स्क्वायर कर देते हैं बैलेंस रखने के लिए, और प्लस थर्टीन तो रहेगा रहेगा। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स है, ये इसके साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, एक्स प्लस थ्री का, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और ये जो बना देगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस नाइन प्लस थर्टीन प्लस फोर, तो प्लस फोर को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये मेरा सीधा सीधा इसने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, बिल्कुल डायरेक्ट। तो बस आप देखो, आपको पता ना वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें एक्स माइनस थ्री लीनियर है, टी डालेगा कोई फर्क नहीं है, इसने यही रहना है, ठीक है, डी टी में भी यही रहना है। तो आप सीधा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और वो क्या होता है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस ए एक्स माइनस थ्री बाय टू, फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ठीक है। तो ए क्या है, टू है, तो वन बाय टू देखो, यहाँ डायरेक्ट इसी को देखो, टेन इनवर्स ये पूरा एक्स एक्स माइनस थ्री बाय ए फिर से टू प्लस सी, सीधा आंसर। ये वाले पार्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कॉम्पिटिटिव हैं, अगर नहीं हैं आप तो चुपचाप इसको टी डालेंगे आप और रिप्लेस करेंगे ऐसे, अब ये फॉर्मूला सिंपल दिखना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये टी में निकाल लिया आपने और टी को फिर रिप्लेस कर दिया एक्स माइनस ए से, फ़र्क क्या है कि एक्स माइनस ए को टी डालने से कोई भी ऐसा चेंज नहीं होता जो चीज़ों को पलट दे, तो इसलिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर अब इंटेग्रल जो है, ध्यान नहीं दिया ऊपर चला गया, ये यहाँ से पकड़ लेते हैं हम, ये आपका इंटेग्रल है, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, देखो जब भी आपका, इसमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि जब भी आपका थ्री पहले आ जाए तो क्या करोगे, तो थ्री को कॉमन ले लो, थ्री को कॉमन ले लो। इससे क्या होता है क्योंकि सबसे पहली कंडीशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर की होती है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट वन होना चाहिए, तो ये थ्री से डिवाइड हो गया। अब वही चीज़ लगाओ सेम, अब थर्टीन बाय थ्री को हाफ कर दो, ठीक है, इसको टू से डिवाइड कर दो, थर्टीन बाय सिक्स आ जाएगा, तो थर्टीन बाय सिक्स का स्क्वायर ऐड कर दो और उसकी का स्क्वायर माइनस कर दो, ठीक है। तो जब आप इसका स्क्वायर इन दो के साथ ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस थर्टीन बाय सिक्स का होल स्क्वायर, और माइनस टेन बाय थ्री और थर्टीन बाय सिक्स का आप जब करोगे ऐड तो क्या बनेगा, माइनस टेन बाय थ्री को, अच्छा ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा देखो मेरा माइनस वन सिक्सटी नाइन ओवर थर्टी सिक्स, टेन बाय थ्री को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो क्या बन जाएगा, माइनस वन ट्वेंटी ओवर थर्टी सिक्स, दोनों को ऐड करोगे क्या बनेगा, माइनस 289 ओवर 36 किसका स्क्वायर है, 17 ओवर 6 का स्क्वायर है कि नहीं है, तो माइनस 17 ओवर 6 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, अब ये क्या चीज़ बन गई, 1 बाय थ्री बाहर निकाल लिया, इंटेग्रल ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है, लॉग एक्स माइनस ए ओवर मॉड्यूलस के अंदर एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस सी, वन बाय टू ए बाहर होता है, तो बस वही रह गया अब इसमें करना।
अब इसने तो देखो इसको प्रॉपर एक्स प्लस 13/6 को टी डाला है, ठीक है, सब कुछ कर करा के भी वही आएगा। देखो लास्ट में चले जाऊँ, जो मैंने आपको आंसर कहा था सीधा वो बन रहा है, यहीं तक है। देखो आप टी डालना चाहते हैं उसे, आप टी डाल सकते हैं बीच में, नहीं तो ये देखो 1/2 है एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है जी, प्लस सी वन। आप एलसीएम अंदर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 6 तो ये कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद, नीचे डिनोमिनेटर, तो 6x आ जाएगा यहाँ पे और 6x आ जाएगा यहाँ पे, तो 6x माइनस 4 बच गया ऊपर, 13 माइनस 7, और 6x प्लस 30 बच गया नीचे, क्लियर है जी। आप क्या कर सकते हैं, अब इसने क्या किया कि 2 कॉमन ले लिया ऊपर नीचे और उससे भी काट कूट दिया, ऊपर 3x माइनस 2 बच गया, नीचे तो 6 ही कॉमन ले लिया, नीचे 6 कॉमन लेने से क्या होगा, ऊपर 2 कॉमन लिया तो ये बच गया 6x माइनस 4 का 3x माइनस 2, नीचे 6 कॉमन लिया x प्लस 5, ये किससे कटा, 3 से, तो अब log 3 को माइनस कर सकता हूँ मैं, log 3 माइनस होगा लेकिन log 3 के साथ 1/17 भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 1/17 log 1/3 को उसने प्लस कर दिया, 3 वाला माइनस होता है, 1/3 डाल के प्लस कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सी ये ऐड करके सी बन जाएगा और यही मेरा आंसर है जी। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, वी हैव ये दिया हुआ हमें, ठीक है, इसके हमें इंटीग्रेशन करनी है, रूट के अंदर है तो पहला इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बनाना पड़ेगा, तो 5 को पहले बाहर लेना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट इज नॉट 1, तो 5 को बाहर ले लिया रूट के, ये बन गई मेरी चीज़। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेंगे हम, ये बन गई चीज़, ठीक है। आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करोगे, 2/5 का हाफ किया ना, 2 से डिवाइड किया तो 1/5 आ गया, तो 1/5 का स्क्वायर ऐड किया और 1/5 का स्क्वायर माइनस किया अंडर द रूट ही, ठीक है, तो ये मेरा बन गया एक्स माइनस 1/5 का स्क्वायर और माइनस 1/5 का स्क्वायर एज इट इज, रूट 5 बाहर निकाल लिया, तो अब ये फिर से क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का बन गया। अगर आपने टी डालना है एक्स माइनस 1/5 इसे, तो आप टी डाल सकते हैं, तो आपका फिर भी यही आएगा, वेरी मच द सेम, सिर्फ एक्स माइनस 1/5 की जगह टी आ जाएगा। अब इसको अगर मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, इस पूरे को एक्स मान के चल रहा हूँ, एक्स माइनस 1/x माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फिर से लॉग का, अच्छा अब रूट में है, लॉग का नहीं लगेगा, रूट में है, तो अब कौन सा पड़ेगा, दूसरा लॉग का लगेगा, अब एक्स प्लस यही सारा लॉग बाहर मॉड्यूलस प्लस सी, बस ये आंसर है आपका, ठीक है, एक्स की जगह एक्स माइनस 1/5 और 1/√5 बाहर, तो इसमें देखो लास्ट लाइन देखो, 1/√5 बाहर, लॉग में एक्स, एक्स की जगह क्या आना था, यही एक्स है, प्लस ये कैसे आया, अब एक्स माइनस हमारे टर्म्स में क्या आना था, हम अगर लिखते हैं तो हम लिखते हैं 1/√5 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/5, ठीक है, यही एक्स है क्योंकि, प्लस रूट ऑफ, यही लिखते हैं ना हम सारा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में। अब आप खुद देखो ये बना कहाँ से है, अगर तो रूट 5 बाहर नहीं लिया होता तो एग्जैक्टली ये उसी से बनता जिससे ये खुला था, जिसको बंद करके हमने इसे बनाया कंप्लीटिंग द स्क्वायर, लेकिन अब रूट 5 मैं निकाल चुका हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट वो नहीं लिख सकता इसको, ठीक है, जो भी मेरा 5x स्क्वायर माइनस 2x था ना, मैं वो नहीं लिख सकता क्योंकि मैं एक रूट 5 बाहर निकाल चुका हूँ, तो या तो रूट 5 वापस अंदर घुसा हो, जो पॉसिबिलिटी अभी फ़िलहाल तो इसमें नहीं है, या फिर एक काम करते हैं इसको उसी के इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, खोल के देख लेते हैं, तो आपको ये वापस खोलना पड़ेगा और वापस खोल के क्या आएगा, ये सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/25 माइनस 2x/5, ठीक है, और माइनस इधर 1/25, ये कैंसल आउट हो गया, तो मेरा क्या आया, एलसीएम ले लो, 5x² माइनस 2x/5 आया,
ठीक है। तो पहले जो था चला कहाँ से था, मैं 5x² - 2x से, लेकिन क्योंकि मैंने 5 बाहर ले लिया था तो जो चीज़ मैंने बाहर ली थी उसी से मुझे डिवाइड करना पड़ गया, ठीक है। तो अगर तो कोफिशेंट यहाँ पे नहीं होता कुछ तो एज इट इज़ आ जाता, लेकिन कोफिशेंट क्योंकि मैं बाहर ले गया तो इसलिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो लास्ट में x² ये जो अंदर डाला था, अब उसकी क्या वैल्यू आ गई, x² - 2x + x² - 2x और 5, ये पीछे वाली लिख दी इसने, ठीक है जी। तो खोल के वो डाल दी हमने प्लस सी, तो बेसिकली फॉर्मूला वही रहा मेरा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 10, फर्स्ट पार्ट, x + 2 / 2x² + 6x + 5, ठीक है। अब नीचे क्वाड्रेटिक है ऊपर लीनियर है, तो इसको हम कैसे करते हैं, अब नीचे से ऊपर क्या बनाने की कोशिश करेंगे हम, इसका डिफरेंशियल। तो 2x² + 6x + 5 का डिफरेंशियल क्या है, 4x + 6, ये चाहिए जी मुझे ऊपर, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे हम, तो नंबर वन तरीका इज कि आप इसको जो x + 2 उसको हम ये d/dx डिनोमिनेटर का जो हमें चाहिए, यानी कि 4x + 6, ठीक है, ये वाला, इसको देखना, इसको देखो, नहीं तो डायरेक्ट इसको देख लो, ठीक है। a इंटू एक a कांस्टेंट लेंगे इंटू एक क्या कहते हैं उसका डिफरेंशियल कर दिया डिनोमिनेटर का प्लस b, इसको किसके बराबर डाल देंगे, x + 2 के बराबर, क्योंकि यही चाहिए ना, ऊपर है तो यही ना x + 2। तो x + 2 कैसे बन सकता है ये, तो a इंटू उसका डिफरेंशियल d/dx नीचे वाले का प्लस b, तो ये आगे चीज़। अब इसे खोलो तो 4ax + 6a + b इज इक्वल टू x + 2, ठीक है। आप कंपेयर करो x को x के साथ, तो जैसे ही आप x को x के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या आ गया, 4a = 1 आ गया, a = 1/4 आ गया। सेकेंड आइटम हम क्या करेंगे, सेकेंड आइटम इज 6a + b, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, 2 से। तो 6a, a कितना है 1/4, प्लस b को हम 2 से कंपेयर करेंगे, तो ये आपका 2, 3, तो b कितना आ गया आपका 2 - 3/2, यानी कि 1/2 आ गया आपका, ठीक है जी। ये नीचे लिखा हुआ 4a = 1, 6a + b = 2, कंपेयर किया a आ गया b आ गया, राइट। अब हमने लिखना है, तो x + 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अब a यानी 1/4, ये लिख सकता हूँ ना x + 2 की जगह जो हमने लिखा था पिछला, मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि हमारे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, तो ये लिख सकता हूँ ना मैं x + 2 की जगह पूरा। अब a की जगह तो 1/4 है और b की जगह 1/2 है बस, तो x + 2 की जगह लिख दिया जी मैंने 4x + 6, 1/4 को मैंने बाहर निकाल लिया जो a था मेरा, अपॉन में यही डिनोमिनेटर, प्लस 1/2 बी को स्प्लिट कर दिया मैंने 1/2 इंटू दिस, कहने का मतलब मैंने क्या लिखा, ए जो मेरा डिफरेंशियल था यहाँ पे 4x + 6, उसके नीचे एक बार डिनोमिनेटर लिख लिया पूरा, प्लस बी के नीचे पूरा डिनोमिनेटर स्प्लिट, और ये मेरा x + 2 के बराबर ही है। अब देखो, अब तो कुछ भी नहीं बचा, नीचे वाले को क्या करेंगे, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, नीचे वाले को इसके डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, तो आंसर सीधा इसका लॉग हो गया 1/4, इसने 2 उसमें कर लिया कन्वर्ट, कि ये मैं i1 मान लेता हूँ और ये मैं i2 मान लेता हूँ, तो ये कह रहा है 1/4 i1 + 1/2 i2, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ कि i1 तो बहुत ही सिंपल है, i1 तो आपको पढ़ा, अगर इसको मैं t डालूंगा तो ये dx की जगह जब मैं dt ओवर ये पूरा लिखूंगा, इसकी डिफ्रेंसिएशन 4x + 6 आ जाएगी ना, तो कट जाएगी वो पूरी नीचे, क्योंकि ऊपर जो है नीचे की डिफ्रेंसिएशन है, तो आंसर क्या आएगा i1 का, तो 1/4 log 2x² + 6x + 5, हमेशा यही होगा जी, क्योंकि हमने बनाया ही यही इसीलिए। अब रह गया ये, अब ये वाला पोर्शन आपको पिछले क्वेश्चन जो पहले हमने इससे पहले 9 एग्जांपल्स डिस्कस करी हैं, वही नहीं दिख रहा क्या आपको, कि क्वाड्रेटिक है ये, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाएंगे और काम हमारा हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट पेज पे ये देखो, i1 सिंपल log t + c आ गया, log डाला ये आ गया।
अब आई टू करा आगे, आई टू में हमने क्या करते हैं, आई टू में कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते हैं, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के टू हमने सबसे पहले, क्योंकि एक्स स्क्वायर पर वन होना चाहिए कोफिशियंट, टू बाहर निकाल लिया तो वन बाय टू बाहर आ गया, टू से डिवाइड करके ये आ गया। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर में जो हम करते हैं कि जो बी होता है उसका आधा कर देते हैं, उसको टू से डिवाइड कर देते हैं और उसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं और उसका स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट बैलेंस रखने के लिए, राइट। अब ये जो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री बाय टू का होल स्क्वायर, इसको जब कंबाइन करेंगे तो क्या बन गया, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर और फाइव बाय टू माइनस, ये कितना हो गया, नाइन बाय फोर हो गया। तो बेसिकली टेन बाय फोर, टेन बाय माइनस वन बाय फोर आ गया ये, तो किसका स्क्वायर है, वन बाय टू का, वन बाय टू का स्क्वायर। तो ऐसे कंप्लीटली का स्क्वायर करके लिख ली। अब फॉर्मूला मेरे पास डायरेक्टली अवेलेबल है, ठीक है, आप इसको टी पुट करना चाहो तो आप टी पुट कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये सिंपल ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा, आंखों को आसानी हो जाएगी, ठीक है। और फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वन ओवर ये टू ए, वन ओवर टू बाहर था, सॉरी वन ओवर ए आएगा, वन ओवर टू तो बाहर वाला ही है, वन ओवर ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। तो टैन इनवर्स एक्स बाय ए में आप करेंगे तो एक्स तो टी है मेरा और ए क्या है मेरा, वन बाय टू, तो टी के नीचे जब मैं वन बाय टू डालूंगा तो ये वाला टू ऊपर आ जाएगा, तो टू टी हो जाएगा ये प्लस सी टू, ठीक है, ये बन गया। अब दोनों को बस हमने ऐड करना है, टी की जगह एक्स भी डालना है एक स्टेप में। तो देखो टी की जगह, ये टी की जगह मैंने टू एक्स प्लस थ्री, यहाँ से आ गया आपका एक्स प्लस थ्री बाय टू डाल दिया और टू से टू कट गया तो ये आ गया मेरा, राइट, टी को वापस डाल दिया बाहर, टू टू ये भी कट गया मेरे, तो आंसर सिर्फ इतना सही बच गया। अब इसमें जो आई वन निकाला ये सिर्फ आई टू का है, आई वन जो डालेंगे तो आई वन ये रहा वापस जो पीछे निकाला था प्लस आई टू ये रहा जी, राइट। तो मेरा आंसर इनको कंबाइन करके आ गया, सी जो है इन सब के सी वन इसका उठा लिया पहले वाले का, सी टू इसका, कंबाइन करके ये आंसर मेरा बन गया। अब इसमें हम शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट हम कैसे लगा सकते हैं, जो आपने ये जो आपने इसकी डिफरेंशिएशन अचीव करी है ना, उसको अचीव करने का एक और तरीका है। जो आपने x प्लस टू के बराबर अचीव किया ना इसको, ये जो आपने अचीव किया यहाँ पे i1 वन प्लस आई टू वाला, ये वाला पोर्शन ए बी जो निकाला है, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। तो शुरू में तो आप ऐसे कर सकते हो, राइट। तो इसको जब आप थोड़ा सा इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप इसको कैसे अचीव कर पाओगे फिर, देखो मुझे पता है टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव की डिफरेंशिएशन क्या है, फोर एक्स प्लस सिक्स। मुझे ऊपर क्या चाहिए, फोर एक्स प्लस सिक्स, ऊपर है क्या है, एक्स प्लस टू। तो मैं क्या करूँगा कि एक्स प्लस टू को फोर एक्स बनाने के लिए वन बाय फोर से डिवाइड कर दूँ, ताकि फोर से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस टू को जब मैं फोर से मल्टीप्लाई करूँगा तो फोर एक्स प्लस एट बन जाएगा। अब चाहिए कितना है, फोर एक्स प्लस सिक्स, तो मैं वन बाय फोर फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस टू कर दूँ, इसको अलग कर देता हूँ और इसको स्प्लिट कर दूंगा, नीचे डिनोमिनेटर तो है ही है, उसको मैं नहीं छेड़ रहा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, वन बाय फोर फोर एक्स प्लस सिक्स नीचे डिनोमिनेटर प्लस, अब टू स्प्लिट करना है तो वन बाय फोर भी स्प्लिट होगा साथ में, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना ये, तो टू टू को आप बाहर ही रख दो, तो अगर टू अंदर रखना है, वैसे एक बार आप अंदर रखना चाहो तो अंदर रखो, नीचे डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ये टू से फोर कट गया, यहाँ वन बच गया। अब आप लास्ट लाइन दोबारा चेक करो, देखो जी दोबारा यहाँ वन बाय फोर फोर एक्स प्लस सिक्स बिल्कुल अचीव हो गया हमारा, प्लस वन बाय टू पूरा ये वन बाय टू पूरा डिनोमिनेटर, ऐसे अचीव हो गया। तो इसमें मुझे वो डी बाई डी एक्स ये वो कंपेयर कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट निकल गया तीन लाइन के अंदर। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये ऐसे भी आसानी से हो जाएगा। सेकेंड पार्ट रूट में दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट दो पेज ऊपर जाना पड़ेगा, ये देखो सेकेंड पार्ट इज
फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, जो हम प्रोसेस करते हैं बिल्कुल सेम रखेंगे, क्योंकि रूट के फॉर्मूले भी हैं मेरे पास। तो वैसे ही हमने जैसे पीछे किया था वैसे ही आप डी बाई एक्स प्लस थ्री को ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी ले लेंगे और कंपेयर कर देंगे, ठीक है। वहाँ से आपका ए आ जाएगा और आपका बी आ जाएगा। तो ए बी आने से अब हम उसको स्प्लिट करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने x प्लस थ्री की जगह क्या लिख दिया, a के साथ जो कंपेयर करके बना ये यहाँ पे आ गया a, और यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन आ गई, प्लस b वहाँ पे कट गया था, ठीक है, स्प्लिटिंग के साथ कट जाएगा, तो आपका b ओवर दिस ये आ जाएगा। फिर ये हाफ माइनस हाफ आई वन प्लस आई टू होगा, ये तो क्या होगा, अब लॉग नहीं बनेगा क्योंकि अब क्या है, रूट है, नहीं तो बिना रूट के तो लॉग बन जाता है ना, क्योंकि ऊपर इसकी डिफ्रेंसिएशन है। तो अब आप इसमें रूट में टी डाल दो, ऊपर की डिफ्रेंसिएशन तो कट जाएगी, तो ये टी माइनस हाफ बन जाएगा, ठीक है। तो टी माइनस हाफ की हमें आती है करनी, जब टी माइनस हाफ नीचे रह जाएगा क्या प्रॉब्लम है, वो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। ओके, तो ये देखो आई वन लिया इसने, इसको पूरे को टी डाल दिया, डिफ्रेंसिएशन इसकी आ गई, कट गई, डी टी ओवर रूट टी बच गया, तो इसकी टू रूट टी प्लस सी हमारी डिफ्रेंसिएशन हो गई। ओके, तो ये मेरा टी में वापस डाल दो आप टी की जगह, अब जो हमने माना था टी को फाइव माइनस फोर एक्स, अब ये मेरा आई वन प्लस सी वन करके बन गया। अब मैं आई टू निकाल लूँगा, और आई टू क्या है मेरा, आई टू इज दिस पोर्शन, तो ये मेरा आई टू आ गया जी। आई टू के लिए अब इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बना लोगे आप, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ये बन जाएगा आप ईजी है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आपने टी पुट करना है, तो यहाँ टी पुट कर दो एक्स प्लस टू को, तब भी यही दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर दिख रहा है, तो इसके क्या, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स क्या है एक्स बाय टू, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस टू, और ए कितना है जी, थ्री का स्क्वायर है थ्री, तो देखो सीधा सीधा ये आ गया आंसर, साइन इनवर्स एक्स बाय टू ओवर थ्री प्लस सी टू, दोनों को ऐड कर दो आई वन आई टू को, तो आई वन मेरा जो हमने पीछे निकाला था टू रूट एक्स है वो ये आ गया, और आई टू मेरा जो हमने ये निकाला, और सी वन प्लस सी टू को हमने एडअप कर दिया सी के साथ, सी बन गया टोटल, ठीक है। तो ये मेरा ऐसे हो जाता है, रूट में हो चाहे चाहे रूट में ना हो, नीचे हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 7.4, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 23, ठीक है। तो 1 से 23 क्वेश्चंस में हमें इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² एक्स सिक्स प्लस वन, एक्स की पावर 6, मैं इसको एक्स सिक्स बोल देता हूँ, ठीक है, टेक्निकली करेक्ट नहीं है बट सिर्फ बोलने के लिए। ओके, एक्स की पावर 6 प्लस वन, अब इसमें देखो हम कैसे कर सकते हैं, देखो 3x² सब्स्टिट्यूशन में हमने सबसे पहले क्या सीखा था कि 3x² किससे कट सकता है, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन है ये, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक्स क्यूब को टी ले लेता हूँ, तो उसके डिफरेंशिएशन जो है 3x² इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन 3x², ठीक है जी, इसको हम यूज़ कर लेंगे। अब मेरा डिफरेंशियल क्या बन गया, ये सॉरी इंटीग्रल क्या बन गया इसका, ये मेरी एक्सप्रेशन जो है 3x², अच्छा एस सिक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस वन डी एक्स, अब डी एक्स की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, डी टी अपॉन 3x², ठीक है जी, ये कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सप्रेशन मेरा क्या बन गया, ये बन गया जी हमारा वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन को वन स्क्वायर लिख सकते हैं डी टी। अब इसका फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, तो वन बाय ए टेन इनवर्स ही होता है इसका फॉर्मूला, तो वन बाय ए इज वन, टेन इनवर्स एक्स, एक्स इज टी हेयर, बाय ए अगेन वन प्लस सी, राइट। तो बस अब वैल्यू पुट करनी है, वन ओवर वन को हम छोड़ सकते हैं, तो टेन इनवर्स
टी इज वॉट एक्स क्यूब, सो एक्स क्यूब प्लस सी, ये मेरा इंटीग्रल है इसका. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू. इसके अंदर इंटीग्रल निकालना हमें वन ओवर रूट वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर का. ओके, अब ये रूट के अंदर है. अच्छा, हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें खास बात क्या है कि एक्स के एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोफिशेंट नहीं है, तो इसका कोफिशेंट हमें बाहर निकालना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, वन ओवर रूट के अंदर ही आप फोर कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, वन बाय फोर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब ये क्या बनेगा, ये फोर बाहर आ जाएगा तो रूट से बाहर आके टू हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बाहर वन बाय टू लिख सकता हूँ. वन ओवर अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन बाय फोर को वन बाय टू इसका होल स्क्वायर. ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर से बन गई, इसमें तो कुछ पुट भी करने की ज़रूरत नहीं है हमको. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की क्या होती है हमारे पास, इसकी होती है हमारे पास, अच्छा रूट है, देखो रूट मेरा छूट गया, इसमें रूट लगाओ, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, नहीं तो रूट मेरा छूट गया था. तो रूट में, अच्छा वैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता तो टेन इनवर्स वाली लगती, लेकिन अब रूट में है, तो रूट में जब होता है तो इसकी क्या होती है, लॉग ऑफ मॉड्यूलस एक्स प्लस रूट में जो भी है, रूट में इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, मॉड्यूलस वन प्लस सी. अब इसको एक स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, आंसर आपका आ गया लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे, और सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन. अब ये वन बाय फोर हो जाएगा, वन बाय फोर का एलसीएम लेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय फोर हो जाएगा रूट के अंदर. ठीक है, रूट से बाहर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वन बाय लॉग एक्स प्लस वन बाय टू बाहर निकाल लेते हैं, रूट में क्या हो गया, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी. अब इस सी को क्या करते हैं, देखो सी को बाद में बताता हूँ, पहले इसी पे फोकस रखते हैं. अब ये वाला टू यहाँ एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम जब लेंगे तो क्या बन जाएगी हमारी, हाफ लॉग ऑफ टू एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन पूरे का एलसीएम टू आ जाएगा प्लस सी. अब देखो ये टू जो है डिवाइड में होता है, तो इसको क्या लॉग में मैं क्या कर सकता हूँ, हाफ ऑफ लॉग ये सारा मॉड्यूलस ऊपर वाला फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग टू लिख सकता हूँ, मॉड्यूलस का ही, मॉड्यूलस में टू ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस सी. ठीक है, क्योंकि नीचे जो लॉग डिवाइड करता है अगर उसे लॉग से बाहर निकालना है तो माइनस लॉग टू होता है. अब हम क्या करेंगे, अब मैं सबको सी वन कर देता हूँ, यहाँ से जो सी निकाले से सी वन कर, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा ये पोर्शन माइनस लॉग टू प्लस सी वन को मैं सी बना दूंगा, ये कॉन्स्टेंट ही तो है. सो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हाफ लॉग मॉड्यूलस टू एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन अंडर द रूट मॉड प्लस सी, जहाँ पे सी क्या मेरा, वेयर सी इज माइनस लॉग टू प्लस सी वन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन. अब नीचे देखो हमें ये डायरेक्ट है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन टू माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो अगर एक्स माइनस टू होता तो बेटर रहता. ठीक है, तो इसमें क्योंकि माइनस का साइन थोड़ा सा रोल प्ले करेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टू माइनस एक्स को टी पुट कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा. ठीक है जी, तो ये जो डी एक्स है ये बेसिकली माइनस डी टी हो जाएगा. इस माइनस साइन के लिए ही थोड़ा सा हमें ये पुट करना पड़ा. इसको जब मैं यूज़ करूँगा अब क्या बन जाएगा मेरे पास, इंटीग्रल क्या बन गया मेरे पास, वन ओवर टी स्क्वायर प्लस वन माइनस डी टी. ठीक है, तो माइनस साइन हम बाहर ले लेंगे,
माइनस साइन हम बाहर ले लेते हैं, वन ओवर टी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर डी टी। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर है, रूट को हमने भूल गए, हम रूट लगाओ ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, रूट में है सारा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट क्या होता है, माइनस साइन बाहर है, लॉग ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे टी एक्स, टी स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, ठीक है। अब टी की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, माइनस साइन बाहर है, टी इज टू माइनस एक्स, सो टू माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन मॉड बंद प्लस सी, मॉड थोड़ा सा बाहर बंद करता हूँ मैं, राइट। तो अब इस माइनस को अगर आपने एडजस्ट करना है तो माइनस क्या करेगा, माइनस जो है ये यहाँ पे पावर में चला जाएगा माइनस वन, ठीक है, लॉग के बाहर माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा था पावर में चला जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ वन अपॉन, ठीक है, ये सारा मॉड्यूलस में ही चलेगा। नीचे क्या आ जाएगा, टू माइनस एक्स प्लस, इसको आप होल स्क्वायर को खोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, मॉड्यूलस पूरा प्लस सी, सो लॉग ऑफ वन अपॉन टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स पहले लिख रहा हूँ, प्लस कितना हो जाएगा फाइव प्लस सी, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। अगला है जी फोर्थ क्वेश्चन, अब इसमें नीचे क्या दिया हुआ, नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले तो मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो है वो हटाऊंगा यहां से, ठीक है, तो यहां पे 24 मुझे रूट के अंदर ही कॉमन लेना पड़ेगा, तो रूट के अंदर अगर मैं 25 कॉमन लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 9 ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में चल रहा है सब कुछ। अब 25 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, 5, तो 1 बाय 5 मैं बाहर ले लूंगा, और 9 बाय 25 को मैं 3 बाय 5 का होल स्क्वायर लिख दूंगा, रूट मेरा है। अब ये a हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, तो इसकी क्या होती है, अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, इसकी है वन बाय फाइव एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स बाय ए होती है, तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ए इज व्हाट, थ्री बाय फाइव, तो फाइव ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स फाइव एक्स ओवर थ्री प्लस सी, ठीक है, यहाँ भी प्लस सी एक डाल लो, सो दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट है जी फिफ्थ क्वेश्चन, 3x ओवर 1 माइनस 2x 4, अब 3x किसकी डिफरेंशिएशन है, एक्स स्क्वायर की, है ना, तो एक्स स्क्वायर को 3 हटा देंगे, 3 का कोई रोल नहीं है, x की मान के चल रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर की, तो मैं एक्स स्क्वायर को t डाल देता हूँ, सो 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2x, इसको यूज करते हैं तो मेरा क्या बन जाएगा, 3x ओवर 1 प्लस 2, अब x4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा ये, t का स्क्वायर और डी टी ओवर 2x, ये मल्टीप्लाई, एक्स से एक्स कट गया, थ्री बाय टू क्या है, मैं बाहर निकाल सकता हूँ, और नीचे क्या बच गया, अब डी टी ओवर, अब देखो वन प्लस टू टी स्क्वायर में टी के आगे टू लगा हुआ है, तो इसको भी बाहर निकाल लो आप, सो टू को भी मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो यहाँ क्या बच गया, वन बाय टू, इस वन को जब मैं टू से डिवाइड करूँगा वन बाय टू, और टू टी स्क्वायर को टू से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा ये,
टी स्क्वायर, ठीक है जी। तो मैंने टू जो है बाहर निकाल लिया, राइट। अब इसमें इसको एक स्टेप और लिख सकता हूँ मैं, और वो क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/4 इंटेग्रल डी टी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिखो चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ही बात है, 1/√2 का स्क्वायर। 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, 1/√2 का स्क्वायर। अब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो सीधा 1/a टेन इनवर्स एक्स बाय ए होती है इसकी, तो क्या बन जाएगा इसका, 3/4, ये तो बाहर है, 1/a। 1/a कितना है, 1/a इज 1/√2, ठीक है, टैन इनवर्स एक्स यानी टी बाय ए, फिर से 1/√2। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, रूट टू से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2√2 आ जाएगा, सो 3/√2 टैन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह क्या डाल सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर, और रूट टू भी ऊपर आ जाएगा, सो √2 x² प्लस सी, प्लस सी यहाँ भी डालेंगे, सो ये मेरा फाइनल इंटीग्रेशन इसकी होके आ गई। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, x² / 1 - x6 dx। तो ये कुछ कुछ फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही है, एक्स स्क्वायर किसके डिफ्रेंसिएशन में आता है, एक्स क्यूब की, तो एक्स क्यूब को अगर हम टी बना लें तो 3x² इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स हो जाएगी जी, सो डी एक्स वुड बी डी टी अपॉन 3x को, इसको यूज करेंगे हम अपने आगे कैलकुलेशंस में। अब इंटीग्रल क्या बन जाएगा मेरा, x² / 1 - s6 को मैं x³ का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, तो x³ को मैंने t ले लिया है, तो इट वुड बी t² डी एक्स की जगह डी टी ओवर 3x², x² कैंसल आउट, 1/3 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो क्या बन जाएगी जी ये, 1/3 डी टी अपॉन 1 - t², तो 1 को 1² लिख सकते हैं, तो अब ये a² - x² बन गई, ठीक है। तो इसका क्या बनता है, 1/3 आगे 1/2 है, a इज 1 हेयर, ठीक है जी, तो 2 × 1 हो जाएगा, लॉग ऑफ ऊपर क्या होता है a प्लस एक्स 1+t, नीचे a - x मॉड्यूलस प्लस सी, तो यहाँ पे आ गया 1/6 लॉग ऑफ 1+t की जगह x³ वापस से रिप्लेस 1 - x³ मॉड्यूलस क्लोज प्लस सी, ये मेरी इसकी इंटीग्रेशन है जी। नेक्स्ट इज सेवन्थ क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है अभी तक के क्वेश्चन से, तो इसे आप सर्कल लगा सकते हैं या स्टार लगा सकते हैं कि हमें कोई नई चीज़ सिखा रहा है। देखो इसमें x - 1 आप क्या करोगे, फर्स्ट हमारा ब्रेन को आदत है कि a² - b² देख रहा है, तो a+b या -b करते हैं, बट रूट के अंदर है, ठीक है, तो ऊपर भी रूट बच जाएगा, नीचे भी रूट बच जाएगा, तो वो सॉल्वेबल नहीं होगा आगे, हमें तंग करेगा इंटेग्रल dx। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये देखो x², अगर मैं x² - 1 पूरे को t डाल दूँ तो 2x आएगी, तो ये 2x जो है यहाँ अवेलेबल है लेकिन -1 फालतू है, तो अगर मैं स्प्लिट कर दूँ x और -1 को, तो एक जगह x के नीचे ये आ जाएगा, 1 के नीचे भी आ जाएगा, तो ये अकेला तो सॉल्वेबल है ही है पूरा, तो हम क्या करते हैं, हम इसे स्प्लिट कर देते हैं x/x²-1 - 1/x²-1, दोनों तरफ dx स्प्लिट कर दिया मैंने। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक 2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक 2 यहाँ लगा देता हूँ, एक 2 यहाँ कर देता हूँ, नीचे के ऊपर डिफ्रेंसिएशन बन गई। तो इस केस में अब मैं क्या करूँगा, x² - 1 को टी, सिर्फ इस केस में, ये आप एक काम करो i1 i2 कर सकते हो इसमें, बेटर इज इसको मैं पूरे को क्या बोल रहा हूँ, i1,
और इस पूरे को मैं क्या बोल रहा हूँ, आई टू, इन दोनों को सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आई वन के केस में मेरा ये जो हाफ, या इसको चलो वेस्ट नहीं करते, आई वन के केस में आप एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी डाल दें तो टू एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स की जगह क्या डाल जाएगा आप, हाफ टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी टी ओवर टू एक्स, पूरा कट गया है, ठीक है। तो क्या आ गया, ये आ गया मेरा हाफ। अच्छा, इसको मैं टी डाल देता हूँ, वन ओवर रूट टी, यानी टी की पावर हाफ हो गया डी टी। इसके क्या होती है, वन बाय टू टू रूट टी प्लस सी इंटीग्रेशन, ऊपर माइनस हाफ चला जाएगा ना, उसमें प्लस वन करेंगे, ठीक है जी। तो हाफ ऊपर हाफ नीचे, तो टू रूट टी बन जाएगी, टू ऊपर आ जाएगा तो टू कैंसिल आउट और रूट टी प्लस सी। और टी की जगह आप वापस क्या डाल सकते हैं, आप एक्स स्क्वायर माइनस वन रूट के अंदर जो माना था प्लस, अच्छा इसको सी वन कर देते हैं, प्लस सी वन, ओके। दूसरी तरफ आई टू निकालते हैं, और आई टू इसको करना सॉल्व मुझे, आई टू को, तो आई टू जो है वो डायरेक्ट क्या बन रहा है मेरा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट बन रहा है, तो इसकी तो डायरेक्ट ही है मेरे पास। और वो क्या है मेरे पास, इसकी लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए इज वन प्लस सी टू, राइट। अब मेरे पास ये आ गया, अब मेरी जो बचा है पोर्शन, दैट इज वो क्या बचा है, आई वन प्लस आई टू करना है मुझे, ठीक है। तो आई वन नीचे से हम निकाल रहे हैं क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन रूट, ज़्यादा बड़ा हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन रूट में प्लस सी वन। और आई टू क्या है जी मेरे पास, आई टू इज लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी टू। अब सी वन सी टू को तो हम कंबाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉड क्लोज प्लस सी वन प्लस सी टू को हम सी डाल सकते हैं। तो ये मेरा फाइनल इसका इंटीग्रल आ गया। इसमें एक छोटी सी गलती होगी, देखो गलती क्या होगी कि ये जो I1 है इसको क्या करना है, इस साइन पे देखो माइनस करना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि I1 माइनस I2, ये नहीं होगा, तो यहाँ बीच में क्या आएगा माइनस, यहाँ बीच में आ गया माइनस। तो जब हम अलग अलग निकालते हैं तो हमें एक फोकस और करना है कि हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली प्लस ले लेता है, लेकिन जो असल में यहाँ पर साइन होगा आई वन माइनस आई टू, वो ध्यान से देख के करना कि प्लस है कि माइनस है। अगला है जी क्वेश्चन नंबर एट, एक्स स्क्वायर ओवर रूट में एक्स सिक्स प्लस ए सिक्स। अब एक्स सिक्स हमें हैंडल करना आता है ना, ऊपर एक्स स्क्वायर है तो मैं एक्स क्यूब को टी डाल लेता हूँ, तो थ्री एक्स स्क्वायर इज डी टी बाय डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी ओवर थ्री एक्स स्क्वायर। तो इसको डी एक्स को रिप्लेस करेंगे, अब ये यूज करेंगे। नेक्स्ट जो मेरा एक्स स्क्वायर ओवर रूट एक्स सिक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का स्क्वायर, है ना, एक्स क्यूब का स्क्वायर। एक्स क्यूब को मैं टी डाल सकता हूँ, तो टी स्क्वायर प्लस ए सिक्स को भी ए क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं। डी एक्स को रिप्लेस करेंगे डी टी ओवर थ्री एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वन बाय थ्री जो है वो बाहर आ गया, और डी टी अपॉन नीचे रूट, कलर चेंज हो गया, जस्ट वेट, रूट टी स्क्वायर
प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, अब रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप है, तो रूट के अंदर क्या होता है, 1/3 लॉग का फॉर्मूला, एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज लग जाएगा, प्लस सी। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। टी की जगह मैं एक्स क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस टी की जगह एक्स क्यूब लिखूंगा तो स्क्वायर करेंगे उसका, एक्स सिक्स हो जाएगा, प्लस ए सिक्स तो है ही है, मॉड्यूलस 1 प्लस सी। दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, इंटेग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। इट इज क्वाइट सिंपल कि सीकेंट स्क्वायर एक्स किसकी डिफरेंशिएशन होती है, टेन एक्स की। तो टेन एक्स को हम टी डाल देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा सीकेंट, इसकी डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स राइट में डी टी ओवर डी एक्स, तो बस सीकेंट स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा, डी टी ओवर सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसको यूज करेंगे इंटेग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर रूट के अंदर टी स्क्वायर, टेन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ टी स्क्वायर, और फोर की जगह मैं लिख सकता हूँ टू का स्क्वायर, डी एक्स की जगह डी टी ओवर सीकेंट स्क्वायर एक्स, पूरा कैंसल आउट। क्या बनी है मेरी, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। अब इसकी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप है, रूट के अंदर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, तो टी को रिप्लेस कर देते हैं और इसमें क्या आएगा, टी की जगह टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स प्लस फोर, मॉडुलस क्लोज प्लस सी। दिस इज माय आंसर। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 10, इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब नीचे मुझे क्वाड्रेटिक दिख रही है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर लगाएंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर में लगा रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 चाहिए मुझे होल करने के लिए इसको, x प्लस 1, तो 2 को 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी कि क्या लिख सकता हूँ अब मैं, 1 ओवर एक्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, 1 का मैं 1 को स्क्वायर डाल दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें यूजुअली तो क्या है कि आप एक्स प्लस 1 को टी डालो तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस 1 को आप टी डालोगे तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, बिना कुछ रिप्लेसमेंट के ये हो जाएगा, तो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, 1 ओवर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट इज डी टी, तो ये कन्वर्ट हो ही चुका है, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मेरे पास है ऑलरेडी, तो क्या होता है वो लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट में जो भी है टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी 1 ही आ जाएगा, प्लस सी। अब टी की जगह आपने क्या डाल दिया, एक्स प्लस 1 प्लस रूट ऑफ, अब एक्स प्लस 1 का किसका, जब मैं एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डालूंगा प्लस 1 प्लस सी, अब ये किससे आया है, ये देखो बैक चलोगे तो आप ये इससे आया और ये इससे आया, खुद इसी से आया ना, जिसमें हम x में से कुछ कांस्टेंट बाहर नहीं निकालते तो वो सेम ही रह जाता है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो log ऑफ x प्लस 1, चाहे आप इसे खोल लो और आप खोल के चेक कर सकते हो कि ये वापस से वही फंक्शन बन जाएगा जहाँ से ये चला था। अगर मैंने कांस्टेंट में एक्स स्क्वायर में कोई कोफिशेंट नहीं है और बाहर नहीं निकाला तो एज इट इज सेम आ जाता है। तो इसमें दो चीज़ें याद रख सकते हैं, ये तो मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, लेकिन इसमें चीज़ें क्या याद रख सकते हैं,
कि अगर मैं स्टेप को रिड्यूस करना चाहूँ, जब भी यहाँ पे x प्लस वन टाइप का लीनियर है तो मैं इसको यहीं पे पूरा x मान के लॉग डायरेक्ट, देखो ये कर सकता था, ये वाला स्टेप मैं डायरेक्ट इसके बाद लिख सकता था, ठीक है, कि जब लीनियर होगा तो आपको t पुट करोगे तो सेम ही वापस आ जाएगा और t को वापस ही वही पुट कर देना, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेक्स स्टेप रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, इंटेग्रल ऑफ 1/9x² प्लस 6x प्लस 5। तो नीचे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लाएंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे 9 कोफिशियंट दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं सिर्फ नीचे ही डिनोमिनेटर को ही देख रहा हूँ, तो 9 को मैं बाहर निकाल दूंगा, तो ये x² प्लस 6/9 एक्स प्लस 5/9 हो जाएगा, राइट। इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 3 3, तो अब क्या होगा, 9 मैंने बाहर रखा, यह बन जाएगा x² प्लस 2/3x। अब इसका b का हाफ करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, जो भी 2b, जैसे 2ab होता है, तो इस x को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1/3 बच जाएगा, तो 1/3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे बैलेंस रखने के लिए, प्लस ये वाला 5/9 एज इट इज रहेगा, ठीक है जी। स्क्वायर ब्रैकेट कर लो अगर आपको ध्यान रखना है कि 9 मेरा बाहर है। सो अब क्या बना स्टेप, 9 मेरा बाहर, x² एक काम करते हैं, कलर चेंज नहीं करते हैं, ये डिनोमिनेटर सारा एक ही कलर में रखते हैं, तो 9 मेरा बाहर है, तो यहाँ पे अब मेरा क्या हो गया, इसको अगर मैं कंबाइन करूँगा तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस, इसको आप करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका -1/9 आ गया है प्लस 5/9, तो बेसिकली 4/9 बन जाएगा, यानी कि 2/3 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, यह वाला सेक्शन। तो अब इसमें इसको मैं यहाँ पे 2/3 का होल स्क्वायर डाल देता हूँ, अब ये डिनोमिनेटर मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं वापस डाल रहा हूँ, अब कलर चेंज करते हैं, 1/9 बाहर कर देते हैं, 1/x प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 का स्क्वायर dx। अब इसके अंदर 1/9 एज इट इज बाहर, एक काम करते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, साइड में x प्लस 1/3 को t पुट कर देंगे, सो dx वुड बी इक्वल टू dt, और ये क्या बन जाएगा मेरा, 1/t² माइनस 2² / 3² dx, राइट। तो अब ये x² माइनस a² टाइप का आ गया, तो इसके क्या होती है मेरी 1/9 यहीं पे बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट रख लेते हैं, ठीक है, x² माइनस a² इज 1/2a, a इज 2/3, log ऑफ x माइनस a ओवर x प्लस a प्लस c, ठीक है, तो 1/9 को आप यहाँ अगर c1 डाल के क्लोज करोगे वहाँ करो, नहीं तो यहाँ डाल के एक c लगा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या बनेगा इसमें, ये मेरा बन गया 1/9 इंटू 3/4, तो 3 3 9 हो गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अरे ये गलत हो गया, देखिए प्लीज़ इसे यहाँ पे एक मिनट जस्ट देखो, यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन लॉस हुई और ये गलत हो गया, ये स्टेप भी गलत हो गया, क्यों गलत हुआ, ज़रा सा ऊपर जस्ट एक स्टेप ऊपर देखो, यहाँ मेरा प्लस 4/9 है प्लस 2/3 और यहाँ मैंने -2/3 लिख दिया, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना, ये गलती हो बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, प्लस होने से क्या हुआ, प्लस होने से जो लास्ट में अभी हम फॉर्मूला लगा रहे थे वो चेंज हो गया, अब फॉर्मूला क्या लगेगा, अब फॉर्मूला लगेगा 1/9 x² प्लस a² का, ठीक है, एंड दैट इज 1/a टैन इनवर्स x/a, तो t/a, ठीक है, प्लस c, तो प्लस माइनस से इतना फर्क पड़ जाता है, ध्यान से करना। अब इसमें
ये क्या होगा, थ्री से ये थ्री कट गया, तो ये हो गया जी 1/6 टैन इनवर्स टी, हमने किसको डाला था, एक्स प्लस 1/3 को, ओवर 2/3 प्लस सी। एक बार और आ गया स्टेप में, इसको सॉल्व करते हैं। टैन इनवर्स, ये एलसीएम ले लो, 3x+1, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवर 2, राइट, प्लस सी। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो प्लस माइनस से देखा आपने, माइनस होता तो हम लॉग की तरफ जा रहे थे, और प्लस आने से मेरा टोटली आंसर चेंज हो गया। तो साइंस का आपको खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन। ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है क्वेश्चन। क्यों डिफरेंट हो जाता है, इसमें एक्स स्क्वायर का आगे माइनस लग जाता है। तो इसको हम कैसे हैंडल करते हैं, अब रूट के अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना हमने, तो सिर्फ नीचे नीचे की बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर ये बाद में कर लेंगे ऐसे ऊपर। रूट के अंदर -1 बाहर ले सकते हो आप, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x-7, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, -1 को तो बाहर ही रहने दो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x, अब 6 का आधा इज 3, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 का स्क्वायर ऐड एंड 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट -7। तो अब ये क्या चीज़ बन गई मेरी, ये बन गई है जी मेरी एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, अब 9 -7 -16 हो गया, तो -4 का स्क्वायर, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, रूट तो चल ही रहा है मेरा, अब मैं -1 वापस अंदर डाल दूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये अचीव हो गया मेरा। अब मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, इसका मतलब 1/4² - x+3² dx। अब इस केस में आई कैन टेक x प्लस 3 को टी, सो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4² - t² dt। अब ये रूट के अंदर है, रूट मैंने पीछे स्किप कर दिया, प्लीज़ ध्यान रखेंगे इसका, कंसंट्रेशन लॉस हो जाती है बार बार। तो रूट में 4² - t² में, अब रूट में a² - t² है, ठीक है, तो a² - x² रूट के अंदर जब होता तो इट इज साइन इनवर्स x/a t/4 प्लस सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स टी इज x+3/4 प्लस सी, दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन, इंटेग्रल ऑफ 1/√(x-1, x-2)। तो इसको देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको नीचे डिनोमिनेटर की बात ही कर रहे हैं सिर्फ, तो हम इसको खोल सकते हैं पहले। ये हो जाएगा x²-3x+2 रूट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेते हैं, तो x²-3x+3 का हाफ इज 3/2, 3/2 का स्क्वायर ऐड, 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट -2 अंडर द रूट, राइट। अब ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा x+x-, क्योंकि यहाँ -2 ए भी है, x-3/2 का होल स्क्वायर, और ये चीज़ सॉल्व होके कितनी आ जाएगी, इसको देखो अगर मैं यहाँ पे ऊपर ही साइड में ही कर रहा हूँ, तो -9/4 और +2 है, +2, ठीक है, तो -9/4 प्लस में 2 को आप क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या 4 × 2 = 8, तो -9 - 1/4, राइट, तो इट इज -1/4। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/4 को 1/2 का स्क्वायर अंडर द रूट। अब मेरे पास क्या अचीव हो गया, मेरा डिफरेंशियल क्या बन गया, इंटीग्रल क्या बन गया,
वन ओवर रूट के अंदर एक्स माइनस थ्री बाय टू का होल स्क्वायर माइनस वन बाय टू का स्क्वायर विद इन स्क्वायर रूट डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, एक्स माइनस थ्री बाय टू को टी डाल देंगे, सो दैट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और यहाँ पे मेरा ये बन जाएगा वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स की जगह डी टी। सो इसका क्या बनेगा जी, अब फॉर्मूला वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट का हमारे पास फॉर्मूला है लॉग ऑफ टी प्लस रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस वन बाय टू का स्क्वायर मॉड्यूलस क्लोज प्लस सी। ठीक है, सो अब इसको मैं वैल्यूज डाल देते हैं, टी की जगह क्या आ जाएगा जी, एक्स माइनस थ्री बाय टू प्लस रूट के अंदर टी की वैल्यू एक्स माइनस थ्री बाय टू का स्क्वायर माइनस वन बाय टू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। तो अब क्योंकि हमने ये जो डिराइव किया था, एक्स का कोई कोफिशेंट हमने बाहर नहीं निकाला, तो इसी से मैंने ये लास्ट डिराइव किया था, तो इसकी वापस वैल्यू क्या ले सकता हूँ मैं, सेम, और आप खोलेंगे भी होल स्क्वायर तो सेम ही आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, सो इट इज लॉग एक्स माइनस थ्री बाय टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको प्रॉपर खोल दो, यही आंसर आएगा, प्लस सी। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। अगला है जी 14th क्वेश्चन, वन अपॉन रूट में एट प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस को मैं कॉमन लेना पसंद करूंगा, सिर्फ डिनोमिनेटर पे ही काम करते हैं पहले, तो रूट के अंदर माइनस वन, सो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एट, सारे साइन चेंज हो गए। नेक्स्ट स्टेप में माइनस वन कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, अब थ्री का आधा करेंगे प्लस थ्री बाय टू का स्क्वायर ऐड एंड थ्री बाय टू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट माइनस एट अंडर द रूट माइनस वन स्टिल कॉमन, इसको मैं कंबाइन करूँगा तो एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री बाय टू का होल स्क्वायर, और इसको कंबाइन करेंगे तो नाइन बाय फोर माइनस का और माइनस एट, एट फोर थर्टी टू, थर्टी टू भी माइनस का है, माइनस नाइन भी है, तो दैट मीन्स माइनस फोर्टी वन ओवर फोर। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा माइनस, इधर आ गया फोर्टी वन के रूट का और नीचे टू डाल सकते हैं, इसका स्क्वायर। अब माइनस साइन को वापस अंदर डाल देते हैं तो मेरा डिनोमिनेटर बन गया 41 रूट के टू का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री बाय टू का स्क्वायर रूट। तो मेरा फंक्शन क्या बन गया, मेरा फंक्शन अब बन गया इंटेग्रल वन अपॉन 41 रूट बाय टू का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री बाय टू का स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे एक्स माइनस थ्री बाय टू को टी पुट कर देते हैं ताकि डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाए, तो मेरा फंक्शन क्या बनेगा फिर, वन ओवर रूट फोर्टी वन ओवर टू का स्क्वायर
माइनस टी का स्क्वायर, एक इसमें डी एक्स लग जाएगा और रूट पीछे हमसे छूट गया, रूट पूरे में भी है, ध्यान रखना है इसका, अक्सर ये गलती हो जाती है मुझसे, तो रूट लगेगा पूरे में। ऊपर हम चेक कर सकते हैं, देखो रूट चला आ रहा था। अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स, हाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है जी। तो क्या आएगा, साइन इनवर्स का बन जाता है सीधा सीधा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, जस्ट ए मिनट, मेरा पेन जो है कैलिब्रेट हो गया था खराब। तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स इज वॉट टी बाय ए, ए इज वॉट रूट 41 बाय 2, ठीक है जी, ब्रैकेट्स प्लस सी, वैल्यूज डाल देते हैं, साइन इनवर्स टी की जगह, अच्छा ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 आगे कर लेते हैं, और एक्स माइनस 3 बाय 2 टी की वैल्यू ओवर रूट 41 प्लस सी। इसमें एक लाइन और बनती है, अभी सिंप्लीफाई हो सकता है ये, और साइन इनवर्स 2 का एलसीएम ले लो, 2 से 2 कट भी जाएगा, सो 2x माइनस 3 ओवर रूट 40 प्लस 3, तो ये मेरा आंसर बन गया। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन, ये पीछे एक दो क्वेश्चन छोड़ के हमने जो किया था क्वेश्चन उसके जैसे ही है देखो। तो इसमें हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर पे काम करेंगे, डिनोमिनेटर को खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी अंडर द रूट, ठीक है। आप इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस, अब ए प्लस बी का हाफ कर देंगे तो ए प्लस बी का हाफ, उसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, पूरे का स्क्वायर है, और प्लस ए बी जो लास्ट में रह गया, ये सारा रूट के अंदर है, ओके। तो अब इसमें ये जो चीज़ है कंबाइन होकर क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी जी एक्स प्लस ए प्लस बी का 2 का पूरे का स्क्वायर, राइट। और राइट में क्या बन जाएगा, अब राइट में अगर मैं इसको यहाँ पे रफ करूँ थोड़ा सा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, एक काम करो माइनस को कॉमन ले लो, इसी में कर लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 4 माइनस ए बी, साइन चेंज कर दिया मैंने दोनों के, ये रूट में 1 ओवर सारा रूट में। अब इसके बाद एक्स प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओवर 4 को एलसीएम ले लो, माइनस 4ab अपॉन 4। अब ये चीज़ जो है माइनस 2ab बन जाएगी ओवर 4, यानी कि ये चीज़ क्या बन गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओवर 4, ठीक है, यानी कि ये चीज़ क्या बन गई, अच्छा ये रूट में है, रूट हमसे अक्सर छूट जाता है, तो यानी कि ये चीज़ क्या बन गई, a माइनस बी ओवर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ, x प्लस ए प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर, माइनस का निशान है बीच में, और ये सारा रूट में, ठीक है। अब फंक्शन मेरा क्या बन गया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर था अभी तक कि क्या था, दिस वाज ओनली माय डिनोमिनेटर, तो इंटेग्रल 1 ओवर एक्स प्लस ए प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर माइनस
ए माइनस बी बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है, और यही रूट में आ गया डी एक्स। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का मुझे दिख रहा है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, वॉट आई विल डू, आई विल टेक, जैसे हम x माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी को t ले लेंगे, x प्लस ए प्लस बी, ये वाली ब्रैकेट जो है यहाँ नहीं, यहाँ लग रही है, इसका होल स्क्वायर। ऊपर भी अगर मैंने गलत किया तो इसको करेक्ट करेंगे, जस्ट वेट, नहीं ऊपर ठीक है। तो x प्लस ए प्लस बी बाय टू को t ले लेंगे, सो डी एक्स वुड बी इक्वल टू डी टी। तो क्या बन गया ये, वन ओवर टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट में। तो अब ये चीज़ जो है मेरी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गई है, तो इसका मेरे पास क्या होता है, लॉग वाला होता है मेरे पास, लॉग ऑफ एक्स यानी टी प्लस जो भी रूट के अंदर है, प्लस सी, ठीक है। अब टी की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, आई कैन पुट एक्स प्लस ए माइनस बी, है ना। एक मिनट मेरे को इसमें चेक करने दो, ये प्लस माइनस का, जस्ट वेट, मैंने गड़बड़ तो नहीं करी हूँ, हाँ देखो गड़बड़ हो गई है, कहाँ से हुई है गड़बड़, देखो माइनस टू, ये साइन डिसाइड करता है कि प्लस का होल्स करोगे या माइनस का, तो ये सारा करेक्ट करो, साइंस के लिए हमें थोड़ा सा अवेयर रहना है, ये सारा माइनस में आएगा, ठीक है, तो ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, एक साइन से बहुत फर्क पड़ जाता है। अब एक्स का मैं जो वापस डालूँगा क्या चीज़ बन जाएगी मेरी, मेरी बन जाएगी जी, इस साइन को रब कर देते हैं और इसकी जगह क्या साइन आ जाएगा मेरा, माइनस, ओके, और माइनस साइन आ गया मेरा, यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो एक्स माइनस ए प्लस बी बाय टू, ये तो हो गया जी पूरा मेरा टी प्लस। अब टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर कहाँ से आया, सबसे पहली लाइन से, कोई कोफिशेंट बाहर नहीं निकाला, तो यानी कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इसी से ही आया है डायरेक्ट, तो यही डाल दो, इसी की इक्विवेलेंट फॉर्म है ना, सॉल्व करोगे तो भी यही आएगी, सो एक बार अगर आप डालना चाहें तो आप t की जगह x माइनस ए प्लस बी बाय टू इसका होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर ये डाल दें, ओके, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट प्लस सी। तो अब लास्ट लाइन में आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा, एक्स माइनस ए प्लस बी बाय टू प्लस, अब इस सारे की जगह में जो सबसे फर्स्ट लाइन थी यानी कि एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, उसी की इक्विवेलेंट फॉर्म है, प्लस सी, ठीक है, सो दिस इज माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन, इंटेग्रल ऑफ 4x प्लस 1 ओवर रूट में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें नीचे के ऊपर डिफ्रेंसिएशन कैसे बनेगी, देखो आप 2x स्क्वायर का प्लस x माइनस 3 का अगर डिफरेंशियल निकालोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, अगर आप t पुट करेंगे तो 4x प्लस 1, ठीक है, तो नीचे का ऊपर मुझे एज इट इज मिल रहा है, इज इक्वल टू dt टी बाय डी एक्स, सो डी एक्स वुड बी डी टी ओवर 4x प्लस 1। तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा तो क्या बन जाएगा मेरा, 4x प्लस 1 t डाल सकता हूँ इसे, और dx की जगह dt ओवर
फोर एक्स प्लस वन पूरा कैंसिल आउट हुआ, वन ओवर टी हाफ की क्या होती है टू रूट टी प्लस सी। सो रूट टी कितना हो जाएगा, ये हमारा टी की पावर हाफ हो जाएगी ना, ये माइनस हाफ, तो प्लस वन ओवर माइनस हाफ प्लस वन करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो इसमें आपका रूट टी जो है इसको मैं क्या पुट कर सकता हूँ, रूट ऑफ टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस सी। सो दिस इज माई आंसर। अगला है जी 17th क्वेश्चन। इसमें देखो इंटेग्रेशन किसकी करनी है, एक्स प्लस टू अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स की। तो इसको समझने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वन की देख लेते हैं क्या डिफरेंशिएशन है। तो ये होगी 2x इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, ठीक है। तो इसमें 2x मुझे ऊपर चाहिए तो क्या करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट जब करेंगे हम इसे तो ये क्या हो जाएगा, x ओवर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लेते हैं स्प्लिट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स ओवर इसमें एक टू डाल देते हैं, एक वन बाय टू हटा ले, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए नीचे डाल देते हैं। तो अब मैं इसको देखो इससे कन्वर्ट करूँगा, डी टी में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे। तो वन बाय टू टू एक्स ओवर रूट में टी आ गया और डी एक्स की जगह डी टी अपॉन टू एक्स आ गया, कैंसल आउट, ठीक है। ये क्या बच गया आपका, वन बाय टू और वन बाय रूट टी की क्या होती है टू रूट टी, कैंसल आउट टू, प्लस सी वन डाल लेते हैं इसे। अभी हम सिर्फ लेफ्ट पोर्शन को कर रहे हैं ना, राइट छोड़ रखा हमने। तो इसमें आप वापस टी की जगह क्या आपने पुट किया है, एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी पुट किया है, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी वन, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गई, आई वन कह सकते हैं इसे आप। तो ये मैंने आई वन को सॉल्व कर दिया, ठीक है आई वन। अब आई टू की बारी है और आई टू हम किसे मान के चलेंगे, मेरे सेकंड वाले हिस्से को। तो इसमें देखो कि टू को तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन को स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये बन जाती है टू बाहर रख देते हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, ठीक है। ये प्लस सी टू ले लो, ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा आई टू बन गया, ठीक है। ये मेरा क्या है, दिस इज माय आई वन। अब मैंने दोनों को क्या करना है, ऐड करना है बस, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। आई वन प्लस आई टू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी वन, ये आई वन है और आई टू इज टू ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी टू। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉड्यूलस वन प्लस सी, सी वन प्लस सी टू को मैं एक सी डाल देता हूँ, तो ये मेरा आंसर आ गया जी। नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस टू ओवर 1 प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। तो इसमें नीचे का अगर हम चेक करेंगे कि डिफरेंशियल क्या होगा, तो डिफरेंशियल इसका होगा 6x प्लस टू इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। तो मुझे इस नीचे वाले को ऊपर 6x प्लस टू बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, हमारा फॉर्मूला एक क्या है जी, अगर मुझे कौन सी फॉर्म है, ये पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म है,
तो इसमें हम क्या करते हैं, px plus q की जगह हम कुछ ऐसा डालने की कोशिश करते हैं कि px plus q, ब्रैकेट नहीं आएगी, px plus q किसके बराबर हो जाए, a into d by dx, नीचे का ax square plus bx plus c plus b, इससे कंपेयर करते हैं। तो इसमें हम क्या डाल सकते हैं कि px plus q मेरा 5x minus 2 है ऊपर वाला, a मुझे ढूंढना है और d by dx मैंने ऑलरेडी कर दिया है 3x square plus 2x plus 1 का, तो यहाँ पे 6x plus 2 आ गया plus b। तो इसको खोल लेते हैं, 5x minus 2 is equal to 6ax plus 2a plus b, कॉन्स्टेंट पार्ट अलग कर देते हैं। आप जब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग मेरा x और x होगा कंपेयर, x के जो कोफिशेंट्स हैं 6a is equal to 5 आ गया, a is equal to 5 by 6 आ गया। दूसरी तरफ पे एंड 2a plus b जो है वो माइनस टू के बराबर होगा, ए की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, फाइव बाय सिक्स, सो फाइव बाय थ्री माइनस हो जाएगा उधर जाके, माइनस टू माइनस फाइव बाय थ्री, थ्री टू ज़र सिक्स, माइनस इलेवन बाय थ्री मेरा बी आ गया, ठीक है। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जो ये डिफरेंशियल है ऊपर, वो सॉरी इंटेग्रल है जो पूरा फंक्शन है, इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ जी फाइव एक्स माइनस टू को क्या लिख सकता हूँ, ऊपर देखो ये लिख सकता हूँ मैं, फाइव एक्स माइनस टू को जो हमने ली थी ऊपर से डी बाई डी एक्स, ये सारा ए सिक्स एक्स प्लस टू प्लस बी, ठीक है, फाइव एक्स माइनस टू को मैं ये लिख सकता हूँ, इसके बराबर है ना। तो ए क्या है मेरा, फाइव बाय सिक्स, ठीक है, सिक्स एक्स प्लस टू, ओके, एंड प्लस बी, बी क्या है मेरा, माइनस इलेवन बाय थ्री, ये लिख दिया जी मैंने 5x माइनस टू, और नीचे क्या है, नीचे कॉमन में है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं, पहले क्या करते हैं, आपका ये वाला पोर्शन स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है, किसके साथ स्प्लिट होगा, इसके साथ, तो ये आ जाएगा हमारा 5 बाय 6 बाहर निकाल लेते हैं, 6x प्लस टू ओवर, इसको मैं चेंज करके लिख रहा हूँ, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, और 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx प्लस माइनस 11 बाय 3 को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस 11 बाय 3 और 1 ओवर, इसको भी चेंज कर रहा हूँ मैं ऑर्डर को, 3x square plus 2x plus 1 dx। अब ये i1 i2 बन गए, अब आप इसे दोनों को सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आप नीचे का डिफरेंशियल ऊपर है, यही हमारा एम था, तो इसका आंसर तो सीधा सीधा आ जाएगा, आप इसको t पुट कर देंगे, 3x square plus 2x plus 1 को t पुट कर देंगे, तो 6x प्लस 2 जो है वो dt टी बाई डी एक्स आ जाएगा, तो इससे मेरा डिफरेंशियल क्या, ये इंटेग्रल क्या बन जाएगा, 6x प्लस 2 ओवर ये t और dt टी अपॉन 6x प्लस 2, कैंसल आउट तो लॉग आ गया, तो इज इक्वल टू नहीं है ये, तो 5 बाय 6 लॉग ऑफ t प्लस c1, ठीक है, तो t की वैल्यू क्या डाल सकते हैं हम, 5 बाय 6 लॉग ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस c1, तो ये मेरा i1 आ गया, ठीक है, दिस इज माय, इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज़ माय i1।
राइट हैंड साइड में माइनस साइन है बीच में, ये ध्यान रखना। 11/3, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 3 बाहर लेना पड़ेगा, तो 3 डायरेक्ट बाहर रख देता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 dx। तो इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर को ही अगर लें हम तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x, एक 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो 1/3 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट प्लस 1/3, तो ये कितना बन गया जी, x प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस ये 1/9 है, 1/9 प्लस 1/3, 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/9। अब इसको क्या करते हैं हम, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो गया, ये प्लस 2/9 हो गया, तो √2/3 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया। अब फाइनल मेरी इसकी क्या बनी, फाइनल नहीं मतलब इसी को मैं लिख रहा हूँ ऊपर से कॉपी करके, माइनस 11 बाय, ये कितना हो गया -11/9, और इस फॉर्म में लिखना, तो ये बन गया मेरा -11/9 इंटेग्रल 1/(x+1/3) का स्क्वायर प्लस √2/3 का स्क्वायर dx। अब आप इसको t डाल सकते हैं x प्लस 1/3 को, तो आप अगर x प्लस 1/3 को t डालेंगे तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -11/9 1/(t² प्लस √2/3² dt। तो इसका मेरे पास क्या होगा, -11/9 तो बाहर ही रह जाएगा, और x square प्लस a² तो 1/a यानी कि √2/3 ऊपर चला जाएगा, और tan इनवर्स x by a 3 फिर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, प्लस c2, राइट। तो अब बस t की जगह आपने क्या डालना है, x प्लस 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 11/(√2), ठीक है, tan इनवर्स 3, x की जगह क्या आएगा, x प्लस 1/3/√2 प्लस c2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं बट, लेकिन मैं इसको यहीं से यूज़ करने वाला हूँ, कहाँ पे, ऊपर। तो अब मेरे पास इसको मैं यहाँ पे ले जाने वाला हूँ, ये क्या है मेरा i2 हो गया ना, ये मेरा, दिस वन इज i2। सो नाउ फाइनल आंसर क्या होगा, i1 प्लस i2, ठीक है जी। तो अब इसमें क्या होगा, ये पार्टीशन बना लिया मैंने, ये मेरा i1 है, दिस इज माय i1, तो 5/6 log ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1, ओके, प्लस c1 है, तो हम इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं क्योंकि c1 प्लस c2 को मैं c डाल दूँगा। कंटिन्यूएशन में -11/√3 नीचे से लिख रहा हूँ मैं कंटिन्यूएशन में, लेकिन ये -11/√2 tan इनवर्स। अब इसका देखो, आप अगर एलसीएम लोगे तो 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3x प्लस 1/√2 हो जाएगा, प्लस c1 प्लस c2 को मैं क्या कर रहा हूँ, c1 ये वाला और c2 ये वाला, इसको मैं c लिख रहा हूँ, तो ये मेरा पूरा आंसर बन जाएगा जी। नेक्स्ट इज 19th इंटेग्रल 6x प्लस 7 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 4 से, ये है। अब एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, x² -9x प्लस 20 अंडर द रूट, राइट। अब इसका जो डिफरेंशियल है क्या बनाना है, हमें क्या चाहिए, x² -9x प्लस 20, अगर t डाल रहा हूँ मैं,
सो 2x माइनस 9 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ऊपर तो 6x प्लस 7 है, ठीक है, तो मुझे क्या बनाना है, 2x माइनस 9। तो पीछे हमने देखा था पी एक्स प्लस क्यू करके हम आराम से बना सकते हैं उसे, तो हम इसको वैसे ही बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें एक इनडायरेक्ट मेथड भी है, इनडायरेक्ट मेथड जैसे हमने पीछे किया था, अब आपको मैं इनडायरेक्ट मेथड से करके दिखाता हूँ। अब आप ऊपर 6x प्लस 7 पर गौर करो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6। अब मैं क्या करता हूँ कि 6 को बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 7 बाई 6 हो जाएगा। आप इसे पिछले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं नए मेथड से कर रहा हूँ जिससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, चीज़ वही है, ठीक है। 6 बाहर निकाल लिया, चाहिए क्या मुझे, 2 चाहिए, तो 2x प्लस 9 माइनस 9 चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, एक 2 से डिवाइड और एक से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, बाहर 3 बन जाएगा और उधर क्या बन जाएगा, 2x प्लस 7 बाई 3 ओवर नीचे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 जो आ रहा है वही चलेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़, अब मुझे क्या चाहिए, माइनस 9, तो एक माइनस 9 कर देता हूँ, एक प्लस 9 कर देता हूँ, ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगी मेरी। अब मेरे को क्या हो जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 3, तो मेरा बाहर चल रहा है, ठीक है, 2x माइनस 9 मैं एक तरफ लेके स्प्लिट कर लेता हूँ और दूसरी तरफ मैं प्लस 3 और 9, ठीक है, ये वाला बच गया ना, तो 3 प्लस 9 इज 27, 27 प्लस 7 इज 34 बाई 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ये ले लेता हूँ, ठीक है, तो इससे मेरा डायरेक्ट आंसर निकलने के चांसेस हैं। लेट अस सी कैसे निकलता है। अब इसमें ये सारा dx अब स्प्लिट करते हैं, तो जैसे ही मैं स्प्लिट करूँगा व्हाट आई विल गेट, 3 और ये तो 2x माइनस 9 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 हो जाएगा, राइट, dx प्लस, अब 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 जैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ कट जाएगा, ठीक है, तो ये बाहर मैं 34 निकाल रहा हूँ और ये 1 ओवर नीचे, आप इसका क्या कर सकते हो, आप इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है, तो इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 बाई 2 का स्क्वायर ऐड 9 बाई 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट प्लस 20, राइट, डी एक्स। अभी आई वन प्लस आई टू बन गया। आप देखो हमने बहुत बार कर लिया, इसको आप आराम से नीचे वाले को टी पुट करो, ऊपर इसके डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है, तो 1 बाय रूट टी रह जाएगा ये, और उसके बाद इसका 2 रूट आ जाएगा, तो ये तो इसकी सिंपल हो जाएगी, 2 रूट टी इसकी सिंपल हो जाएगी, ठीक है जी। सो जो आई वन है, दिस इज आई वन, तो इस आई वन की क्या होगी कि आप एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को टी पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका 2x माइनस 9, क्योंकि हमारा तो बनाया ही ऐसे था हमने, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 2x माइनस 9 रूट ऑफ टी डी एक्स की जगह डी टी ओवर 2x माइनस 9 पूरा कैंसल आउट, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 रूट टी प्लस सी वन, तो यह जाएगी 6 और रूट टी की जगह हम पूरा का पूरा फिर क्या लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 जो टी डाला था प्लस सी वन। सो दिस इज माई आई वन, इसको यूज़ करेंगे, पार्टीशन करके अलग कर लेते हैं। अगला जो है वो मेरा ये आई टू, दिस इज माई आई टू, तो इसको कंटिन्यू करते हैं प्लस के साथ, तो 34। अब यहाँ क्या आ गया जी, एक्स माइनस 9 बाय 2 का स्क्वायर, ओके, माइनस, अब ये चीज़ सॉल्व होके कितनी आएगी, ये कितना आ गया,
माइनस 81/4 प्लस 20, तो 4 प्लस 80, 4 इंटू 20 80 हो जाएगा, तो माइनस 1/4 आ जाएगा ये, राइट। सो माइनस 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 1/2 का स्क्वायर अंडर द रूट डी एक्स। अब मैं एक्स माइनस 9/2 को टी डाल सकता हूँ, तो एक्स माइनस 9/2 को जब मैं टी डाल दूंगा, सो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, और ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज 34 डी टी ओवर टी स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर। अब इसमें 34 रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप, तो लॉग वाला लग जाएगा जी सीधा सीधा मेरा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो क्या आ गया ये 34 बाहर है, लॉग ऑफ टी प्लस रूट में टी स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर मॉडुलस क्लोज प्लस सी टू ले लेंगे से। तो ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन सी टू को मैं बाहर ही छोड़ रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, सो 34 लॉग ऑफ, या ब्रैकेट खोल भी दो, 34 लॉग ऑफ टी की जगह क्या डाल सकता हूँ मैं, एक्स माइनस 9/2 प्लस ब्रैकेट जहाँ से शुरू हुआ था, अब इसमें तो हमने कुछ नहीं निकाला था ना, तो क्या बनेगा, ऊपर देखो किससे शुरू हुए थे हम, ये यहीं से देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x+20 था ना, ये यही फंक्शन था ना, ऊपर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x+20 येलो लाइन, ठीक है। तो ये ही बन जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई मैंने एक्स का कोफिशियंट बाहर नहीं निकाला, बाकी आप खोल के आराम से चेक कर सकते हो। तो टी की जगह आपने क्या डालना है, पहले तो एक्स माइनस 9/2 माइनस हाफ का स्क्वायर, तो ये बन गया 34 लॉग एक्स माइनस 9/2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x+20, ठीक है। जिनको सीधा सीधा नहीं दिख रहा वो इसको होल स्क्वायर को खोलें, यही आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया जी I2, दिस इज माय I2। अब इसको यहाँ ले जाते हैं और सिंपली I1 प्लस I2 करना रह गया, बस कुछ नहीं रह गया और हमारा। सो फाइनल आंसर इज I1 प्लस I2, प्लस का निशान था बीच में, ध्यान रखना पहले एक बार गलती हो गई थी। सो इट इज I1 इज 6 एक्स स्क्वायर माइनस 9x+20, C1 छोड़ दो, प्लस सीधा ये सारा का सारा यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, 34 लॉग ऑफ एक्स माइनस 9/2 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x+20, ओके मॉड प्लस C1 प्लस C2 का प्लस C। तो ये मेरा कंटिन्यूटी में आंसर है जी। नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन, इंटेग्रल ऑफ x प्लस 2 अपॉन रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें जो नीचे 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशियल चेक कर लेते हैं, इसको कुछ भी लेके UT जो भी लेना इस टाइम। तो यहाँ पे इसको 4 माइनस 2x, ठीक है, इज इक्वल टू DT/DX, इसका डिफरेंशियल है, ठीक है। तो 4 माइनस 2x मुझे चाहिए ऊपर, तो लास्ट जो हमने देखा था वो हमने दूसरे मेथड से किया था, उससे पिछला वाला दूसरे मेथड से किया था, ठीक है। तो ये अब हम क्या करते हैं, पहले मेथड से करना चाहते हो फिर पहले वाले से कर लो। तो सीधा एक्स प्लस 2 जो है किसके बराबर होगा, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू D/DX ऑफ नीचे वाला, तो D/DX हमने यहाँ पर निकाल लिया, तो 4 माइनस 2x प्लस बी, ठीक है। सो यहाँ पे जब मैं करूँगा तो क्या आ जाएगा, 4a माइनस 2ax प्लस बी, तो ये आ गया माइनस 2ax प्लस 4a प्लस बी। तो ये मेरा कॉन्स्टेंट पार्ट हो गया और ये मेरा x का पार्ट हो गया, इक्वेट करूँगा तो क्या आएगा, माइनस 2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू माइनस हाफ, और यहाँ पे 4a प्लस बी इज इक्वल टू 2 इक्वेट करेंगे इसके साथ,
सो 4 माइनस हाफ प्लस बी इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 हो गया, बी उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा 4, तो ये दोनों चीज़ आ गई मेरे पास। तो मेरा अब एक्सप्रेशन क्या बन गया, थोड़ा सही करेंगे, ज़्यादा नहीं, x प्लस 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली चीज़। तो a मेरा एक्सप्रेशन जो है x प्लस 2 ओवर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, थोड़ी सी जगह और बना लेते हैं, इसको लिख सकता हूँ जी मैं अब a कितना है मेरा माइनस 1/2 इंटेग्रल 4 माइनस 2x, ये वाली चीज़, और स्प्लिट में पहले ही कर रहा हूँ साथ साथ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद प्लस b, b इज़ 4 और b अकेला रहता है, तो 1 अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx दोनों तरफ। अब ये i1 और i2 हो गए, सो ये दिस इज माय i1, i1 को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये तो हमारा क्लियर है कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t डाला है, तो ये 4 माइनस 2x आ जाएगा, तो इसको जैसे मैं रिप्लेस करूँगा तो माइनस हाफ 4 माइनस 2x ओवर रूट में t डल जाएगा और dx ओवर 4 माइनस 2x आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, माइनस हाफ 2 रूट टी प्लस c1, और t की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, ये 2 कैंसिल आउट कर दो, 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1 माइनस के साथ, ठीक है, तो ये माइनस के साथ मेरा ये आ गया। अब ऊपर i2 को सॉल्व करते हैं, वापस थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, i2 मेरा क्या है, दिस इज माय i2, तो i2 को जब सॉल्व करते हैं बीच में क्या है, बीच में इज प्लस, तो इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना पड़ेगा मुझे, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने के लिए मैं सिर्फ डिनोमिनेटर उठा रहा हूँ, तो इसमें मैं माइनस बाहर ले रहा हूँ, तो माइनस बाहर लेने से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब अंदर ही क्या चाहिए आपको 4x के साथ, प्लस 4 माइनस 4 है ना, तभी ये क्या बनेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा ना, तो ये बन गया बाहर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस ये 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, चेंज कर देंगे तो बस अब मेरी फाइनल क्या बन गई, i2 मेरा फाइनल बन गया 4 1 ओवर रूट में, चेंज कर रहा हूँ माइनस साइन अंदर डाल रहा हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर, इधर dx आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, x माइनस 2 को t पुट कर सकते हैं सच दैट dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, तो ये मेरा i2 क्या बन जाएगा, 4 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt अंडर द रूट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस c2, सो 4 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ क्या है जी, t की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, x माइनस 2 ओवर 2 प्लस c2, ये मेरा क्या आ गया, दिस वन इज माय i2, तो बस अब इन दोनों को ऐड करना, कुछ भी नहीं है, एज इट इज ही लिखना है मुझे, i1 प्लस i2, तो यहाँ पे माइनस साइन है, i1 रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर c1 को छोड़ रहा हूँ प्लस 4 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 2 ओवर 2, ठीक है, प्लस c1 प्लस c2 को मैंने c डाल दिया, तो दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट है जी 21st क्वेश्चन, अब बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी है, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करूँगा सीधा, लॉन्ग मेथड्स का भी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 3 है, इसके डिफरेंशियल मुझे क्या चाहिए, 2x प्लस 2। ओके, तो dx dt बाय dx, ऊपर क्या है x प्लस 2, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक 2 से नीचे डिवाइड करूँगा और एक 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो क्या अचीव हो जाएगा, ऊपर मेरा 1 बाय 2 2x प्लस 4, तो मुझे तो प्लस 2 चाहिए ना, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस 2 लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 2 प्लस 2, ठीक है। नीचे क्या है मेरा, नीचे इज द सेम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो मेरा फाइनल क्या बन जाएगा, स्प्लिट करके लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, एक तो मैंने 2x प्लस 2 ले लिया, नीचे मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो गया डायरेक्ट, दूसरा मैंने हाफ और हाफ के साथ यहाँ पे प्लस 2 था जो वो ले लिया, और यहाँ पे भी मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो गया। अच्छा, इसका मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, ज़्यादा वो जल्दी नहीं करते। अब ये मेरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी, सॉरी स्प्लिट हो गया मेरा ये, और अब आप देखो कि ये मेरा आई वन है और ये मेरा आई टू है। आई वन के लिए आप देखोगे कि नीचे के ऊपर डिफ्रेंसिएशन है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 1/2, ठीक है। नीचे टी डालूंगा तो उसकी डिफ्रेंसिएशन ऊपर कट जाएगी, रूट टी नीचे बच जाएगा, और रूट टी की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, 2√t, तो 2√ डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच जाएगा सीधा। ओके, प्लस c1 आप डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें, मैं डायरेक्ट आंसर पे जा रहा हूँ। इसके बाद आपका राइट हैंड साइड पे जो मेरा i2 है, उसमें क्या करेंगे आप, उसमें आप इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर बनाएंगे तो क्या पता, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका, आपको 2x के साथ 1 चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 कर सकते हैं, तो ये आइटम क्या बन गई, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये रूट के अंदर है सारा, दिस वन इज रूट, मेरा क्या बन गया ये, मैं इसको लिख रहा हूँ नीचे, फाइनली क्या बन गया मेरा, प्लस अब ये 1 अपॉन के ऊपर है ना, कि 1 ओवर दिस है सारा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट क्या होती है इसकी, डायरेक्ट लॉग वाली होती है, तो लॉग, अब इसको टी डालते हैं तो वापस यही डालना पड़ता है ना, तो एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस सी एक आप डाल दो, बस इसको कंबाइन करके लिख रहा हूँ अब मैं, एंड दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस, इसको पूरे को खोलोगे तो क्या बनेगा, यही जहाँ से शुरू हुए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस सी। ओके, सो ये मेरा आंसर है, ठीक। तो देखो अगर आपको समझ आ जाता है तो इतना शॉर्ट है ये, राइट। अदरवाइज आप इसको प्रॉपर एक्स प्लस 1 को भी टी डालोगे, नीचे वाले को आई वन में टी डालोगे, तो वो आप हटा देते हैं तो कंसेप्ट इतना सा बच जाता है, इतनी प्रैक्टिस के बाद अब हमें ये समझ आना चाहिए। नेक्स्ट इज 22nd क्वेश्चन, dx, इसमें भी देखते हैं शॉर्टकट मेथड लगाते हैं, कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 है नीचे, तो इसका डिफरेंशियल क्या चाहिए, 2x माइनस 2, ऊपर क्या करेंगे आप, एक 1/2 नीचे ले लूँगा यहाँ पे और एक 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ऊपर क्या अचीव हो जाएगा, 1/2 2x प्लस 6, तो माइनस 2 अगर करूँगा तो प्लस 2 भी करना पड़ेगा और प्लस 6, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है ना, माइनस 2 प्लस 2 डाल दिया और 2 इंटू 3 6 सारे डाल दिए मैंने, तो ये हो गया dx। अब इसको स्प्लिट करते हैं सीधे, 1/2 2x माइनस 2 मैं ले लूँगा क्योंकि मुझे ये चाहिए, सो 2x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस, अब ये हाफ मल्टीप्लाई होगा किसके साथ,
सिक्स प्लस टू एट के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। अब माइनस फाइव है ना ये वाला, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस टू एक्स का मुझे प्लस वन चाहिए ना, तो माइनस वन और माइनस फाइव, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर भी हो जाएगा साथ के साथ ही। अब इसमें ये मेरा जो आई वन बना है ये मेरा तैयार है, इसमें क्या तैयार है कि वन बाय टू और टू, अच्छा नीचे क्या अब टू नहीं आएगा, नीचे अब रूट नहीं है, तो नीचे की डिफ्रेंसिएशन ऊपर एज इट इज़ है, टी डालूंगा तो वन बाय टी बन जाएगी। तो इसका मतलब वन बाय टी की क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव। वो जब रूट होता था तो रूट की टू रूट टी थी, अब रूट नहीं है नीचे, तो इसमें आप टी डाल के देख लो, आप इसे चेक कर सकते हो, इसको टी डाल के देखो, ऊपर कट जाएगी डिफ्रेंसिएशन, लॉग ऑफ दिस आ जाएगा। ओके, सी वन में नहीं लिख रहा हूँ, प्लस इसकी क्या करेंगे, ये जो मेरा आई टू है ये यहाँ से कट जाएगा फोर, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर इसका करेंगे तो क्या बनेगा, इसका करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे नीचे एक्स प्लस वन का, माइनस वन का सॉरी, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस वन माइनस फाइव माइनस सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस सिक्स किसका स्क्वायर है, रूट सिक्स का, तो नीचे मेरा ये आ जाएगा और ऊपर फोर आ गया। फोर को मैं बाहर लिख रहा हूँ, इस फोर को मैं बाहर लिख रहा हूँ, और ये वन ओवर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसकी क्या होती है, इसकी होती है लॉग ऑफ वन ओवर टू ए, रूट में नहीं है क्योंकि ये वन ओवर टू ए, ए इज रूट सिक्स, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, तो एक्स कितना, एक्स माइनस वन है इस केस में, आप इसको टी डाल के भी जैसे हम करते हैं यूजुअली कर सकते हैं, माइनस ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस रूट सिक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसको आप टू से यहाँ पे काट सकते हैं, तो मेरा आंसर क्या है, ये मेरा आंसर आ चुका है। तो इसको अगर आप एक कलर में लिखना चाहें तो बड़े आराम से लिख सकते हैं, एंड दैट इज वन बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव प्लस टू ओवर रूट सिक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस वन माइनस रूट सिक्स ओवर एक्स माइनस वन प्लस रूट सिक्स। तो हमने जैसे कहा था कि x माइनस वन को t डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें dt इज इक्वल टू डी एक्स ही आता है, t डाल के वापस वही डालना होता है, तो हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 23rd क्वेश्चन, इस पर भी नीचे का देख लेते हैं क्या हमारे को डिफरेंशियल मिल रहा है। तो नीचे का डिफरेंशियल जो है वो 2x प्लस 4 है, तो ऊपर क्या है 5x प्लस 3। तो इस पर क्या करते हैं, तो इस पर मैं सिर्फ 5x प्लस 3 को ऊपर देखो कि 5 कॉमन ले लो बाहर, तो ये x प्लस 3 बाय 5 हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, 2x चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ एक टू से यहाँ पे डिवाइड और एक टू से इसको मल्टीप्लाई पूरे को, तो ये क्या हो जाएगा 5 बाय टू टू एक्स प्लस सिक्स बाय फाइव, ठीक है। हाँ मुझे यहाँ तो यहाँ प्लस फोर चाहिए, तो प्लस फोर माइनस फोर, नीचे मेरा रूट में एज इट इज जो है वो रहेगा रहेगा। अब इसके बाद 5 बाय टू स्प्लिट कर लेते हैं, 2x प्लस 4 चाहिए मुझे, और नीचे कितना आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 ये एज इट इज रहेगा, प्लस अब ये यूज़ हो गया 6 बाय 5 माइनस 4, तो 6 बाय 5 माइनस 4 करेंगे तो 5 4 20, और 20 में से 6 माइनस 20 इज माइनस 14 ओवर 5, ठीक है। तो मेरा ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा प्लस ये वाला 5 बाय टू जो स्प्लिट होगा, ये वाला माइनस 14 बाय फाइव ऊपर से जो बन के निकला है, 1 बच गया यहाँ पे अपॉन नीचे रूट में जो सारा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx,
ये स्प्लिट हो गया जी मेरा। अब इसमें 2 से 7 काट दो, 5 से 5 काट दो। तो नेक्स्ट अब आई वन आई टू कर लेते हैं फटाफट। ये विद रिस्पेक्ट टू डी एस, दिस इज आई वन। आई वन में रूट में नीचे के डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो नीचे रूट टी बच जाएगा। अगर नीचे वाले को टी डालूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को, तो ये क्या आ जाएगा, 5/2 इंटू 2 रूट टी। तो टी जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है। प्लस सी वन नहीं डाल रहा हूँ मैं, प्लस ये 2 कैंसिल आउट कर दो, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। प्लस माइनस 7 तो यहाँ लेना ही लेना पड़ेगा मुझे, तो इस प्लस को मैं माइनस 7 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये 2 कट दिया यहाँ पे। अब माइनस 7 कलर चेंज, दिस इज माई आई टू, ये आई वन था, दिस इज आई टू। तो इसमें माइनस 7, अब यहाँ पे देखो इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लो इसका भी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, 4x का क्या चाहिए, 4 चाहिए ना मुझे, तो 4 प्लस 6 करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस किसका बनेगा, ये रूट 6 का स्क्वायर, क्योंकि 10 को मैंने 4 प्लस 6 कर दिया, 6 इज रूट 6 का स्क्वायर। ओके, तो प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, इट विल बी प्लस, राइट। तो यहाँ डी एक्स आ गया। अब बस इसकी क्या आएगी, माइनस 7। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर रूट के अंदर है तो क्या होती है, लॉग ऑफ एक्स जो कि एक्स प्लस 2 है, प्लस रूट ऑफ, इस सारे का रूट जब मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, यही आ जाएगा ना खुल के, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी, ठीक है। और लेफ्ट में तो ये है ही है, 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट आंसर हो गया जी, ये पूरा। तो ये आप ऐसे शॉर्टकट से तब देख पाओगे जब आपका अभी तक एक एक क्वेश्चन करके महारत हासिल हो जाएगी, ठीक है। तो एकदम ऐसे करने की कोशिश नहीं करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, एमसीक्यू है। देखो क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स, तो नीचे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, 2 को 1 प्लस 1 डाल दो, तो नीचे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का, सॉरी 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये नीचे आ रहा है डी एक्स के। अब इसमें क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डायरेक्ट किसकी होती है, टेन इनवर्स एक्स बाय ए की होती है, 1 बाय ए बाहर, तो 1 बाय ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये मेरा बी ऑप्शन मुझे जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट दिख रहा है, दिस इज माय आंसर। अगला है जी लास्ट क्वेश्चन मेरा इस एक्सरसाइज का, 25th क्वेश्चन, डी एक्स ओवर 9x माइनस 4x स्क्वायर। तो इसमें नीचे क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, अच्छा माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, या चलो माइनस बाहर ले लेते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस 9x। इसके बाद क्या करते हैं कि माइनस 4 ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x, ठीक है, रूट के अंदर है, तो 4 से तो बाहर 2 आ जाएगा रूट का, और ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x। अब क्या करते हैं, प्लस 9/4 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 9/8 का स्क्वायर, ओके, और माइनस 9/8 का स्क्वायर, राइट। ये क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा 2 बाहर है, यहाँ से जब मैं इकट्ठा करूँगा तो x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर माइनस 9/8 का स्क्वायर 1/2 में, ठीक है। अब ये मेरा किस टाइप का बन गया, 2 ओवर ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अच्छा एक मेरा माइनस भी था, मैंने गलती से बाहर छोड़ दिया, ये देखो इन सब के बाहर एक माइनस है, तो ये माइनस यहाँ पे जब साइन चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, तो इट विल बिकम
मैं ऑप्शन सामने ही रखना चाहता हूँ ताकि हमें दिखती रहे, इतना चलेगा। तो जैसे मैं माइनस साइन डाल दूंगा वापस, तो 2 9/8 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9/8 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट है, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन जाता है ना। तो इसमें क्या बनता है, 1/2 तो बाहर ऑलरेडी है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स इज एक्स माइनस 9/8 बाय ए, ए इज 9/8। तो ये देखो इस पोर्शन में आप एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, सिर्फ इसी पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 8x माइनस 9 ओवर 8 कैंसिल आउट हो जाएगा 9। तो साइन इनवर्स में ये लग जाएगा 8x माइनस 9 ओवर 9। तो ऊपर आंसर कौन सा मैच कर रहा है, 1/2 साइन इनवर्स बी और डी में दिख रहा है मुझे, और 8x माइनस 9 इज बी, तो बी इज माई आंसर।